नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज का जो वीडियो आधारित है सीजीपीएससी मेंस की जो पेपर हुई है, यहां पर सातों पेपर, उसमें से पेपर नंबर फाइव का पार्ट टू यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल में क्या क्या क्वेश्चंस यहां पर आए, 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स और 10 मार्क्स में, उन सबका यहां पर अपन डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कैसे आंसर लिखे जाने चाहिए थे, क्या क्या वो मस्ट हैविंग चीजें थी जो आंसर में आपको होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे कि कैसे क्या क्या ट्रेंड्स रहा, मतलब कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन सा जो टॉपिक था उसको बिल्कुल स्किप कर दिया गया, कौन सा टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा गया, और पिछले कुछ वर्षों में इसका ट्रेंड क्या रहा है। यदि आपने पेपर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को देखिएगा जरूर, और यदि नहीं दिया है, आने वाले वर्षों में आप देना चाहते हैं, पीएससी का मेंस लिखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को आप देखिएगा अंत तक और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या वो सेक्शन थे जिस पर फोकस किया गया। यहां पर मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ना, यानी कि टोटल हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल जो पढ़ रहे हैं, उसको मैंने 10 अध्याय में जो आपकी सिलेबस में मेंशन है उसके हिसाब से मैंने इसको 10 पार्ट में बाइफर्केट कर लिया है। जितने भी तमाम किताबें आते हैं, बुक्स आती है, उसमें भी लगभग यही मोटे मोटे आपके 10 चैप्टर जो है वो रहते हैं आपको, ठीक है। आइए तो यहां पर हम सबसे पहले समझते हैं, पहला वाला जो पार्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत स्थिति और विस्तार। उसके बाद आपको एक और चीज जो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भूवैज्ञानिक संरचना। ये एक साथ आप सिलेबस वहां पर देखेंगे दोनों, मतलब पहला आपका स्थिति और विस्तार, उसके जस्ट बाद आपको भूवैज्ञानिक संरचना, ये वहां पर मिलता है, लेकिन मैंने इसको मिट्टी वाले चैप्टर में अलग से बाइफर्केट कर रखा है। मतलब अपन इसको इसके हिसाब से हम यहां पर देखेंगे, क्योंकि सिलेबस तो पूरा एक साथ दिया रहता है, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। तो यार ये वाला जो पार्ट है ना, पिछले 4 वर्षों से, और इनफैक्ट ये 5वां वर्ष हो गया, मतलब 5 बार इसकी पेपर हुई है इस वर्ष को अगर हमने मिला लिया तो, और अभी तक एक भी बार, जी हां अभी तक इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक भी बार क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इस बार भी यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं था। दूसरा जो चैप्टर होता है आपका फिजिकल फीचर यानी कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं या भौतिक विशेषताएं, इसमें जनरली हम देखते हैं भारत की 6 भौगोलिक या भौतिक विशेषताएं होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं उत्तर भारत की जो पर्वत श्रृंखला यानी कि हिमालय है, फिर आपके पेनिनसुला प्लेटू से प्रायद्वीपीय पठार है, आपके दोनों मैदान हो जाएंगे यानी कि उत्तर भारत के मैदान और आपके तटीय मैदान, साथ ही साथ आपके द्वीप समूह यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और आपका जो बच जाता है वो जाता है मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, है ना। तो इस प्रकार से आपके 6 डिवीजन होते हैं, मेजर तौर पे इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना होता है, और प्रीलिम्स से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में यहां से इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं आप देख सकते हैं, 2, 2 और 4 यानी कि 2 नंबर के, फिर 2 नंबर के और आपके 4 नंबर के, और इसमें भी जान के आश्चर्य होगा, अभी मैं दिखाऊंगा। हालांकि मैदानों से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आपको पूछे गए हैं, मतलब कोंकण तट का जो है मैदान वो पूछ दिया गया आपको, भाबर और तराई मतलब वो भी एक मैदानी हिस्सा है, फिर आपका द्वीप समूह वाला, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे गए हैं, मतलब मेन आपका पर्वत पठार से क्वेश्चन आया ही नहीं है, आप समझिए इस बार पर्वत पठार का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो पूछा गया है वो तटीय मैदानों से संबंधित है, द्वीप समूह से संबंधित है, एंड ऑल ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी, नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। सोचो मतलब लोग जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं 40-50 नदियां पढ़ के जाते हैं, है ना, नदी तंत्र जब पढ़ते हैं तो कम से कम 8-10 बड़े नदी सिस्टम पढ़ते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, तापी, नर्मदा, ठीक है, नीचे साउथ की कावेरी, कृष्णा, तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन नदी से एक क्वेश्चन भी आपको नहीं दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल 0, ठीक है। इस वर्ष ऐसा किया है, पिछले वर्षों की तुलना के ट्रेंड की मैं बातें करूं तो टोटल नंबर आप जो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, 4-5 वर्षों में मिलाकर 4 या 5 क्वेश्चन बस पूछे गए हैं। अभी एक ऐसा चैप्टर आने वाला है, आपको देख के लगेगा ओ माय गॉड इतना सारा, अभी बताऊंगा। नंबर 4 जलवायु, मुझे इस बार उम्मीद थी कि भाई यहां से कम एल नीनो से संबंधित तो कुछ तो देगा करके, लेकिन भाई साहब ने जलवायु को भी पूरा हाशिए पे रख दिया है, क्लाइमेट से जलवायु से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है आपका, जी हां बिल्कुल 0 मार्क्स 0 क्वेश्चन। नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति से जो क्वेश्चंस आए हैं दोनों के दोनों जो आए हैं तुम्हारे जंगल से संबंधित हैं, एक है आपका नेशनल पार्क वाला है, अभ्यारण्य के फॉर्म में दिया था कुनो नेशनल पार्क, और एक जो क्वेश्चन आया तुम्हारा सदाबहार से, अभी बताऊंगा पूरा डिटेल करेंगे, ऐसा नहीं है ना ये केवल ब्रीफिंग करा रहा हूं यहां पर, ऐसा टेंशन मत लेना, पूरा डिटेल कराऊंगा भाई, 1-to-1 कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, पीडीएफ में है वो बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, निश्चिंत रहो, शांत रहो। पीएससी के लिए सबसे पहला जो चीज जो चाहिए रहता है वो चाहिए होता है धैर्य, धैर्यता, आप पहले समझो तो यार, इसको ब्रीफिंग में समझो तो, बोला अरे सर ये क्या करो आप, सीधा जो है वो कराओ ना भाई, कराऊंगा
रुको जरा, सबर करो, पहले समझ तो लो क्या है कैसा है। आप जिससे पढ़ रहे हो उसको 8 साल का एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी का, है ना, तो आप कम से कम अपना जो अनुभव है सामने वाले से शेयर करो, उसको देखो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो पहले आप इसको देखिए, ठीक। अब यहां पर हम चलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, मैंने बता दिया आप लोगों को, यानी कि टोटल आपके 5 पार्ट हो गए। और ये 5 पार्ट अभी समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ज्योग्राफी को जनरली हम जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल, यानी कि आपका भौगोलिक या भौतिक वाला जो पार्ट होता है, और एक जो रहता है आपका कौन सा रहता है, आपका इकोनॉमिकल, या जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में जानते हैं। जैसे हम कक्षा 9th और 10th की बुक का हम करते हैं बाइफर्केशन करते हैं, हम लोग कक्षा 11th यानी कि 11वीं और 12वीं का करते हैं। 9th और 11th जो रहता है आपका फिजिकल वाला पार्ट रहता है, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना, इन सबको मिला के हम लोग जानते हैं किसके रूप में जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं एक आपका फिजिकल वाला पार्ट, मतलब इसमें भौगोलिक और भौतिक विशेषताएं जो है यहां पर बताई जाती है, नदी, पहाड़, जंगल, झरने, है ना, मिट्टी विट्टी एंड ऑल। अब आप सोचिए, और जब आप प्रीलिम्स में भी देखोगे तो बहुत बड़ा पोर्शन होता है ये, इनफैक्ट पढ़ने भी जाते हैं तो बहुत बड़ा पोर्शन होता है, मतलब जब आप पढ़ाई करने जाओगे ना तो ये 6 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं लगभग पूरे ज्योग्राफी यदि आपने 100 दिन में कवर करी है तो कम से कम 60 से 70 दिन केवल इन्हीं में जाता है। आप समझिएगा 70 डेज समथिंग इसी में जाता है। और आप मेंस में देखो क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछे गए हैं ना, तो 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2 आपका हो जाएगा यहां से 12 और 12, 4, 16, बताओ 50 में मात्र 16 नंबर का, तो 17, 51, 16, 48 समथिंग, है ना। तो आप सोचो केवल 1/3 आपको पूछा गया है, 70 दिन जो आपने पढ़ा उसमें से 16 नंबर, और बाकी के जो 30 दिन आपने पढ़ रहे हैं वहां से आपके जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है वो आपसे पूछे गए हैं। आप समझिए आप कितना बड़ा आपका मतलब वेटेज यहां पर होता है, मतलब इनफैक्ट अगर आपने इसको छोड़ भी दिया, फॉर एग्जाम्पल आपसे नहीं बढ़ रहा है तो आप यहां से पूरा का पूरा, और देखिए ना 8 नंबर और आपके 10 नंबर के, 8 नंबर और 10 नंबर के पूरे क्वेश्चंस तुम्हारे इधर वाले पोर्शन से दिए गए हैं। ये कौन कौन सा है आइए देखते हैं यहां पर। तो मिट्टी और भूवैज्ञानिक संरचना से भी एक मात्र क्वेश्चन आया तुम्हारा, और वो है लाइक लाल मिट्टी क्या है, उसकी विशेषता एंड ऑल, उससे संबंधित दिया है, ठीक है। चलिए यहां पर हम देखते हैं मिनरल्स, यानी कि आपका खनिज और ऊर्जा। तो ऊर्जा को हर बार देता था वो, ऊर्जा से हर बार क्वेश्चन आता था, ऊर्जा का बहुत बड़ा क्वेश्चंस दिया है हर बार, लगभग 2 से 3 बार तो नॉन रिन्यूएबल यानी कि आपके गैर परंपरागत वाले पार्ट से दिया है। इस बार इन्होंने दिया है सीधा सीधा आपका जो परंपरागत वाला है। मैंने जब क्लासेस ली थी, ऑफलाइन क्लासेस मैंने कराई थी बच्चों से, तो उनको भी मैंने कहा था कि हर बार इन्होंने रिन्यूएबल को दिया है, इस बार हो सकता है या तो आपको परंपरागत वाला देगा या तो फिर नहीं देगा करके। तो ऊर्जा में उन्होंने परंपरागत यानी कि जो आपका तेल वाला जो पार्ट है वहां से दिया है, खनिज तेल वाला। और मिनरल्स खनिज में आपका जो है बॉक्साइट और मैग्नीज के यूसेज क्या करके 2 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन आपको दिया है। फिर यहां पर चलते हैं भाई, ये मैंने हमेशा से बोला था बच्चों को कि भाई ये जो चैप्टर है ना एग्रीकल्चर और इरिगेशन या वाटर रिसोर्सेस वाला, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो वाई, कि जो पेपर सेट कर रहा है या तो उस बंदे को या फिर जो भी है, आई डोंट नो कौन है, क्या है, कैसा है, आयोग के द्वारा हो रहा है, कैसा हो रहा है, उनको हो सकता है कृषि में विशेष रुचि होगी, हो सकता है वो एग्रीकल्चर से कुछ खास लगाव रखते होंगे, या हो सकता है एग्रीकल्चर में कुछ उन्होंने महारत हासिल कर ली होगी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यार अब इतना भी मत दो, आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 8 नंबर का फिर से 8 नंबर का और 10 नंबर का और 2 नंबर का, आप जोड़िए यहां पर 8 और 8 16, 16 और 10 कितना हो रहा है आपका 26 और 2 28, मतलब भाई आप 50 नंबर का आना है उसमें आप एक पर्टिकुलर अध्याय से सीधा सीधा कितने नंबर का दे रहे हो, आप 28 नंबर का दे रहे हो, समझ रहे हैं आप, सीधा सीधा आप 28 नंबर का दे रहे हो भाई, ये तो गलत है ना यार। मतलब ठीक है अनिवन होता है, समझ आता है, आप कुछ मत करिए, चलो 8 और 8 16 नंबर का भी दे दे दो तो समझ आता, मतलब आप 4-4 क्वेश्चन दे रहे हो यार एक चैप्टर से। मतलब आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो, मतलब मैं ये आवाज जो मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी की तरफ से उठा रहा हूं, मैं ये अभी आएंगे अभी डिस्कस करेंगे, देखो अब आ चुका है उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब अपने जहन में ये रखना होगा कि सर क्या पता कल की डेट में यहां से सीधे सीधा 20 नंबर का दे दे कल की डेट में। अब देखो ये वाला जो पार्ट है जनसंख्या और शहरीकरण है ना आपका अर्बनाइजेशन, इतना बड़ा उसमें चैप्टर में मेंशन कर रखा है, एक क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने, जबकि पिछले कई वर्षों से हमेशा बड़ा क्वेश्चन 8, 10, 8, 10, 4 नंबर का यहां से आया ही है, इस बार इन्होंने नहीं दिया। इंडस्ट्री वाले पार्ट में भी चलो 4 नंबर का दिया है, देखो हालांकि ट्रांसपोर्टेशन आपके मेंस के सिलेबस में नहीं है, ये आपका प्रीलिम्स में है,
मेंस में केवल इंडस्ट्री उद्योग है, उद्योग चलो ठीक है, 4 नंबर दिया, ओके अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि यार कम से कम आप जलवायु और जो ड्रेनेज सिस्टम है यहां पर 2-2 नंबर का एकाध क्वेश्चन कवर कर सकते थे, 4 नंबर का दे सकते थे, एकाध क्वेश्चन देना चाहिए था। खैर क्यों नहीं दिया वो बात की बात है, लेकिन अब आपको इस प्रकार के मेंटली प्रिपेयर होना है। देखो यार सीधा सीधा मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन तो दिए जाने चाहिए थे, एटलीस्ट 2 नंबर का दिया जाना चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है, 1 से समझ नहीं आता, 1 में ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, चैप्टर 1 चलो आपने स्किप किया, ये दोनों बड़े क्वेश्चन है यार। इनफैक्ट आपका क्लाइमेट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जलवायु है ना, 2 नंबर तो दे सकते थे भाई, एल नीनो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है ना, बारिश से संबंधित एकाध कुछ दे देते, ठंडी दे देते, गर्मी दे देते, कुछ तो दे देते। खैर नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ पर 2, 8, 8 और 10 बोलोगे सर 10 नंबर का देखिए क्वेश्चन आता है, आपने बोला 2 बार लिखा है, तो बेटा अथवा वाला भी आता है, तो अथवा वाले पार्ट में यहां से हो जाएगा ना। यहां पर आपको और उसमें भी एक टॉपिक को मेंशन कर दिया, खाद्यान्न से संबंधित 2-2 क्वेश्चन आपको दिए, दोनों बड़े क्वेश्चन, एक मिलेट वाला दिया है और एक आपका खाद्यान्न का एक्सपोर्ट वाला दिया, और एक्सपोर्ट समझ नहीं आया क्यों दिया भाई, क्योंकि मतलब उसको तो कोर ज्योग्राफी में हम पढ़ते नहीं है, वो या तो करंट वाला पार्ट होता है या तो फिर इकोनॉमी वाला पार्ट होता है, मतलब कोर ज्योग्राफी का तो हिस्सा नहीं होता, इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता कि आप उसको 10 नंबर में दे, फिर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिया तो अब तो बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा आपको, दूसरा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक बार दे दिया तो भाई क्या पता आप दे दे, क्योंकि रिपीट किया है यार। सबसे बड़ा चीज मैंने देखा है 2-3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इन्होंने रिपीट किए हैं, तो मुझे यह भी समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन कितनी कमी हो गई थी कि आपने क्वेश्चन ही रिपीट कर डाले। चले कोई दिक्कत नहीं है, उद्योग से 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, है ना, और आपका जो है पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से एक भी क्वेश्चन आना है, यहाँ पे नहीं पूछा गया। ठीक चलिए आइए समझते हैं, तो 1 by 1 शुरू करते हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, ऑलरेडी कुछ समय आपका ले लिया गया है यहाँ पर एनालिसिस के लिए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, तराई और भाबर क्या है, व्हाट आर तराई एंड भाबर, और इसका आंसर आपको 2 मार्क्स के, मतलब ये देखो 1 to 6 आपका 2 नंबर का रहेगा, 7, 8 और 9 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 4 मार्क्स के रहेंगे, 10 और जो 11 रहेगा वो सीधा 8 नंबर का रहेगा, और 12वें नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, जी हाँ, मतलब देखो एक बार क्वेश्चन आया था उत्तर भारत के मैदान की विशेषताएं लिखिए, 10 नंबर का आया था, तो तराई और भाबर वैसे भी आ गया, उसके बाद आया था कि भाबर या तराई जो क्षेत्र है वो कहां पर पाया जाता है, ऐसा समथिंग कुछ था, चारों में से कोई एक पार्ट होता है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये देखो, ये पहले मैं ब्रीफ कर रहा हूं, फिर आंसर 2 मार्क्स में क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो तराई और जो भाबर होता है बेटा, ये उत्तर भारत के मैदान की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। नॉर्थ प्लेन्स में यदि आप देखेंगे तो हम ऊपर से नीचे जब हम इसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऊपर से नीचे जब इस प्रकार से जब ये बनेगा तो सबसे ऊपर में आपको क्या नजर आएगा, सबसे ऊपर में आप देखिएगा तो आपको भाबर जो है वो नजर आएगा, इंग्लिश में भी अपन इसको भाबर बोलते हैं, फिर पर आपको तराई नजर आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको बांगर नजर आता है, इंग्लिश में नाम सेम है सबका, और सबसे नीचे यहां पर आपको इस प्रकार से खादर नजर आता है। ये उत्तर भारत के मैदान होते हैं, इनकी विशेषताएं हैं ऊंचाई के आधार पर, इनकी विशेषताओं के यानी कि क्वालिटीज के आधार पर इसको अलग अलग पार्ट में हम बाइफर्केट करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपसे यह पूछा गया है कि भाबर और तराई या तराई और भाबर क्या है, तो आपको स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से करनी है। देखो मैंने यहां पर कीवर्ड्स लिख दिए, रीजन यानी कि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कहां पर पड़ता है, और इनकी विशेषता, वैसे भी क्वेश्चन में दिया नहीं है, चाहे दो चाहे मत दो, आपको विशेषता लिखना ही पड़ेगा, है ना, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, विशेषताएं क्या है, ये आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपके की पॉइंट्स, मैं देखो की पॉइंट्स को बस लिखा हूं यहां पर इसलिए ताकि आपको पता चले कि क्या मस्ट हैविंग फीचर्स, मैंने पहले कहा था ना कि क्या क्या चीजें होनी ही चाहिए आपके आंसर में। तो शुरुआत आपको कुछ इस प्रकार से करनी, 4 लाइन आपके पास रहेंगे, तो शुरुआत आपने करनी इस प्रकार से कि भैया देखिए, सॉरी ठीक है, शुरुआत आपने कुछ इस प्रकार से करनी है, मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं यहां पर, है ना। ठीक है, आप इसको कॉलम बना लीजिए, सबसे बढ़िया है, 2 नंबर का है ना। 2 तरीके मैं बता रहा हूं, पहला तरीका है ना, आप इसको कॉलम बना लीजिए, अलग अलग पार्ट में लिखना। ठीक है, तो देखिए तराई जो रहता है, पहले तो आपको भाबर को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तराई इस पहले पूछे इसलिए तराई को इधर रखना, भाबर को इधर, किसलिए भाबर को इधर रख लीजिए, है ना। आप इधर भाबर पे पहले लिखना कि जब नदियां, हिमालयन नदियां स्पेशली, यहां पे मेंशन करिएगा, हिमालयन नदियां जब, है ना, निचले स्तर पर आती है या मैदानों में जब प्रवेश करती है तो शिवालिक के पैरेलल, याद रखिएगा आपको 4 पहाड़ पता होंगे, मतलब 4 जो रेंजेस पता होंगे आपका, ट्रांस, ट्रांस की कहानी अलग है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तो शिवालिक के पैरेलल यानी कि समानांतर 8
आठ से दस किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, क्या 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यहां पर ये नदियां जो रहती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त का मतलब होता है डिसअपेयर हो जाना, ये नदियां जो है वो विलुप्त हो। ये मैं भाभर की बात करूं ना, मैंने भाभर को इधर इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि भाई वो बोलता है कि पहले आप तराई को लिखे, इसलिए हमने तराई को लेफ्ट में लिख दिया और भाभर को हमने राइट में कर दिया। तो हमने क्या कहा कि जब हिमालय से निकलती है नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो प्रवेश करने से पहले शिवालिक के समानांतर, शिवालिक के पैरल 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में क्या करती है, प्रवाहित होती है। और ये नदियां जो रहती है वहां पर विलुप्त हो जाती है, यानी कि डिसअपेयर हो जाती है। इन क्षेत्रों को हम लोग जानते हैं भाभर के रूप में। हो गया, तराई क्या होता है, भाभर के बाद आगे है ना, तराई वाले क्षेत्र में जो नदियां रहती है वो री इमर्ज होती हैं। री इमर्ज का मतलब होता है पुनः फिर से उद्भित हो जाती हैं। री इमर्ज फिर से क्या हो जाएंगे जी, वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आने के बाद वहां पर जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाता है, वो आपका नम या फिर दलदली क्षेत्र हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम तराई कहते हैं। बस इससे ज्यादा और आपको लिखना भी नहीं है। 2 मार्क्स में और क्या लिखेंगे, ऊपर के 2 लाइन्स हो गए। पहले वाला कि भाई जब हिमालय से नदियां निकलती हैं तो मैदानी भागों में प्रवेश करने से पहले शिवालिक के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में बहती हैं और वो पहाड़ों या छोटे छोटे पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। फिर आपने इधर लिख दिया कि भाई जो तराई वाला जो क्षेत्र रहता है यहां पर नदियां फिर से पुनः से उभर आती हैं, पुनर्उभर जो होता है जिसको रीमर्ज कहते हैं, और यह जो क्षेत्र रहता है नम और दलदली रहता है। बस हो गया। और ये उत्तर भारत के मैदानों की कुछ विशेषताएं, मतलब उत्तर भारत के मैदानों के प्रमुख भाग है। बस आपको खादर और बांगर अलग से लिखने की नीड ही नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स है, आपने दोनों चीजें लिख दी। आप चाहे इसको कॉलम के फॉर्म में लिख दिया आपने, चाहे तो सीधा सीधा पहले आपने तराई को मेंशन कर दिया फिर आपने भाभर को मेंशन कर दिया, बस इसके अलावा कुछ करना नहीं है। 2 नंबर में आपको पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपने भाभर और तराई के बारे में जाना, थोड़ा सा और डिटेल यहां पर देख लो। ये जो 2 नंबर का लिखना था वो कहानी खत्म हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो पार्ट्स मैं यहां पर बता रहा हूं ये हिमालय से आती है, आप देख सकते हैं भाभर इस प्रकार के रहेगा, देन आप इसको तराई कहेंगे। यहां पर आपको हरा भरा हरियाली वाला क्षेत्र मिलता है, ज्यादातर आपके नेशनल पार्क हैं, आपके जो टाइगर रिजर्व हैं जैसे कि पिलभीतिया आपको देखने को मिलेगा, दुधवा जो है ना, आपके कुछ नीचे लाइक वाल्मीकि वगैरह, सब के सब आपको तराई वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। फिर यहां से आपका भांगर वाला रेंज आ जाएगा, उधर सबसे जो लास्ट रहेगा तुम्हारा खादर होगा, ठीक। आइए सेकंड क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित द्वीपों के नाम बताइए। केवल नाम बताने, यहां पर भी सेम रीजन और स्पेसिफिकेशन। तो जब अरब सागर की यहां पर हम बातें कर रहे हैं दोस्त, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बोले सर 2 मार्क्स में हम लोग मैप बनाए कि ना बनाए, ये बड़ा एक सवाल आ जाता है बच्चों के मध्य कि सर ये 2 मार्क्स वाले में, जैसे आपके पास कुछ इस प्रकार से रहेगा आंसर शीट, आपके पास कुछ इस प्रकार का आंसर शीट होगा, है ना, कौन सा कलर, चलो इसे मैं बना लेते हैं। और इस आंसर शीट के लिए कुछ ऐसे लाइंस होंगी, फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूं 4 लाइंस हैं आपके पास, ऑन एन एवरेज 4 दिया जाता है ना आपको, ये 4 आपके पास लाइन है, 1 2 3 और ये 4, है ना, आप ये मान के चलिए इतना स्पेसिंग है। आप ये मान के चलें, ये पूरे पेज की बात नहीं करो ना, ये मतलब पूरे आंसर शीट की हम बात नहीं करें, ये उतने की बात करें कि इतना स्पेस और इतने लाइंस, 1 2 3 4, मतलब इतना स्पेस। अभी नीचे और पेपर रहेगा, उधर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे और भी है। आपको इस 2 मार्क्स के लिए केवल इतने, मतलब यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके पास इतना आंसर है। सर कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यार सिंपल है, यहां पर आपके पास इतना सारा जगह है, आप ना क्या करना कुछ नहीं, आप इतने स्पेसेस को थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, समझ आ रहा है क्या। अब आपको पूरे इंडिया का मैप नहीं बनाना है, आपने यहां पर नाम लिखे और यहां पर आप क्या कर दीजिए, देखिए ये आप इस प्रकार से ये ऐसे बना के छोड़ दीजिए। अब यहां पर लिखते चले जी, देखिए जैसे कि यहां पे आपको कौन सा गुजरात वाला क्षेत्र है, तो गुजरात वाले में आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, दमन मिल जाएगा, यहां पर दमन एंड दीव वाला रेंज मिल जाएगा। आप यहां पर आ जाइए महाराष्ट्र में, आपको सालसेट मिल जाएगा। सालसेट मतलब क्या होता है, सालसेट एक्चुअली जो मुंबई है ना उसको सालसेट द्वीप ही कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसको, मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा बड़े में, आपको हो सकता है देखने में कोई दिक्कत होगा, सालसेट याद रखिएगा। यहां पर आप आ जाइए, महाराष्ट्र वाला रेंज हो गया, है ना। उसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने एलिफेंटा देखा होगा, आपने एलिफेंटा तो गुफा तो है ही, वहां पर ये आइलैंड भी है क्योंकि आपको अरब सागर में स्थित बोल रहा है, राइट, याद रखना। अच्छा, अरब सागर में पूरे दुनिया भर में मिल सकते हैं, दुनिया भर इन द सेंस ये अरब सागर वाला रेंज है, आपको बहुत सारे कंट्रीज में मिल सकते हैं ऑलरेडी, तो उनको नहीं लिखना है क्योंकि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछ रहा है, आपको नेम ज्योग्राफी के अंतर्गत लिखना है। देन यहां पर हम लिख सकते हैं जो मेन हमारा यहां पर है, कौन सा, लक्षद्वीप। केरल वाले भी कुछ लिख सकते हैं, केरल के भी बहुत सारे आपको आइलैंड से नहीं, बहुत सारे आपको द्वीप वहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो केरल के जितने आपको देखने, जैसे कि वेलिंगटन बहुत फेमस है, याद रखना,
आपका वेलिंगटन, ये बहुत फेमस है यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हैं। ये भी कहाँ का है, ये तुम्हारा केरल का है। मतलब द्वीपों के नाम लिख लो और क्या करो ब्रैकेट में आप राज्य लिखते चलो, मतलब एक एक राज्य के एक एक द्वीप भी आपने लिख दे तो काफी है भाई, है ना। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया, आपने इस पे लिख दिया, आपने इसका लिख दिया, तीन राज्य हो गया आपका। उसके बाद आप लिखिए लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि आपको कदमत मिल जाएगा, कदमत आपको ठुंडी मिल जाएगा, हाल ही में न्यूज में था ये, है ना। आपको कवरत्ती मिल जाएगा, यहाँ की कैपिटल है। और क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर मिल जाएगा मिनी काय, मिल जाएगा आपको मिनी काय ऐसा। तो आप चाहे तो इसको इस प्रकार से मैपिंग से भी दिखा सकते हैं यहां पर कि भैया ये यहां पर है करके, और सिंपल यहां पर चार लाइंस रहेगा, चार लाइन में आप कुछ मत करना, अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप करके लिखे, उसके बाद यहां पर लिखना द्वीपों के नाम, या फिर पहले स्टेट लिख दो, स्टेट के आगे जो जो द्वीप आपके नाम याद आ रहे हैं। देखो अंडमान सॉरी निकोबार, सॉरी अंडमान निकोबार नहीं, इधर लक्षद्वीप वाले में तो बहुत सारे नाम आपको ऑलरेडी याद आ जाएंगे, कुछ कुछ स्पेसिफिक नाम आपने याद कर लीजिए। जैसे कर्नाटका में भी आप जाओगे तो वहां पर कुछ एक देवी जी का मूर्ति वगैरह कुछ है स्थापित है, वहां भी द्वीप के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र में भी एक जो अजय किला जिसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। सालसेट आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एलिफेंटा आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, गुजरात के भी जो आपको द्वीप समझ आ रहे हैं जो अरब सागर में स्थित है आप लिख लीजिए, चार से छह नाम लिख लीजिए, दो नंबर के लिए वो काफी है, सफिशियंट है, ठीक है। बस याद रखिएगा जो भी नाम लिख रहे हैं उसके राज्य का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, इज दैट क्लियर। तो इसके मल्टीपल आंसर आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर आप विशेषता नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें हाँ ना, क्योंकि देखिए आपने रीजन ऑलरेडी इतने सारे मेंशन कर रखे हैं, स्पेसिफिकेशन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट लिख दोगे तो और अच्छी बात है, यदि जगह है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन चीज आपसे पूछा है केवल नाम पूछा है आपसे, है ना। तो आप यहां पर नाम मेंशन करिएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से आप यहां पर लग सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी एक मैप के माध्यम से आपको ये चीजें बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो लाल मिट्टी है इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र और विशेषताओं का उल्लेख करें। देखो यार क्षेत्र और विशेषता तो क्वेश्चन में वैसे भी पूछा तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखो अब लाल मिट्टी क्या है कैसे है, एंड और इतना ज्यादा आपको एबीसीडी बताने की नीड नहीं है कि लाल मिट्टी जो रहती है वो इसके कारण बनती है, उसके कारण बनती है, उतना नहीं करना है। टू मार्क्स में पूछा है, चुपचाप कुछ मत करो भाई, आप क्षेत्र बता दो, और क्षेत्र में आप राज्य भी बता सकते हो और सिंपल क्षेत्र भी बता सकते। जैसे राज्य अगर आपको बताना है तो आप बताना हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, क्षेत्र है ना आपको पूछा ना, महत्वपूर्ण क्षेत्र और उसकी विशेषता, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, फिर हो जाएगा तुम्हारा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ भाग, और भी ये भारत के अन्य भागों में ये आपके प्रमुख भाग हैं। इससे क्या चीज समझ आ रहा है सर, इससे ये समझ आ रहा है कि दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा या पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, स्टार्ट कुछ इस प्रकार से करना कि भारत में लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में ज्यादातर पाया जाता है, विशेषकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में, है ना। ये आपने क्षेत्र यहां पर बता दिया, बस इतना ही मेंशन करना, हो गया, एक से डेढ़ लाइन यहां तक आ जाएगा। उसके बाद इसकी विशेषताओं में आ जाइए, क्या क्या इसकी विशेषताएं, तो आप बताना कि यार देखो इसका जो कलर रहता है लाल, ये आपको बताना आवश्यक है। अब केमिकल यहां पर स्पेसिफिकेशन देना मस्ट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केमिकली चीजों को बताते नहीं, उनको लगता है अरे सर गलत हो जाएगा क्या, अरे भाई क्यों गलत होगा, तो बताना इसका लाल जो कलर होता है ज्यादातर यहां पर आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड, है ना। आप इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक साथ लिख सकते हैं इस प्रकार से, इस मिट्टी का लाल रंग इसके आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। ये जो मिट्टी रहती है दोस्तों याद रखना दो प्रकार से पाई जाती है, जो थोड़ी सी मोटी क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर वाली जो रहती है वो कम उपजाऊ रहती है, और जो थोड़ी महीन या बारीक रहती है वो थोड़ी सी उपजाऊ रहती है, मतलब धान वगैरह की खेती के लिए थोड़ा ठीक ठाक इसको अपन यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। अधिकतर जो रहता है वो आपकी अनुपजाऊ यानी कि ज्यादा उर्वर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी आपको देखने को मिलती है, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन या यूं कहें ह्यूमस, है ना, याद रखना ह्यूमस यानी कि जिसमें उर्वरता पाई जाती है, ये सब की कमी रहेगी जी, ये सब आपको देखने को नहीं मिलता यहाँ पर इसकी कमी। तो ये आपकी विशेषताएं बता रहे हैं ना आप इसको, ठीक है। उसके बाद आपने ये बता दिया कि भाई ये जो मिट्टियां जो रहती हैं इनका कलर जो रहता है लाल रहता है, ये भी आपने बता दिया। तो आपने मिनिमम टू केमिकल स्पेसिफिकेशन दे दिए कि आपने कलर की यहाँ पर आपने बातें कर ली, आपने ये भी बता दिया कि क्या क्या पोषक तत्व इसमें कमी पाई जाती है। आप एक लाइन और मेंशन कर सकते हो कि जलयोजन के कारण इसका कलर जो है वो पीला हो जाता है, यदि आपके पास है तो। कई बोलते हैं ना, देखो कई बार होता है कि यार चार लाइन में कुछ बच्चे जो रहते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं,
उनके पास इतने लिखने में खत्म हो जाएगा। कुछ बचे सर एक लाइन और है सर, कुछ और मेंशन कर लें क्या, खाली अच्छा नहीं लग रहा तो लिख लो जी। जल योजन होने के कारण इसका जो कलर है क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ये आप विशेषता लिख रहे हो ना, आपको पूछा है विशेषताओं को लेख, आपने पहले क्षेत्र बता दिया और आपने विशेषता बता दी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना बेटा, इससे ज्यादा और कुछ लिखना ही नहीं है। डेढ़ से दो नंबर कंफर्म है आपका। देखो यार, टू आउट ऑफ टू हर कोई नहीं देता, लेकिन मिनिमम उसको डेढ़ देना पड़ेगा। इतना आपने लिखा तो डेढ़ देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। दो दे दिया, अच्छा कुछ है मतलब उसको लग रहा है आंसर आपने। चलो यहां पर अब फॉर एग्जांपल आपने क्या बताया, मैंने फिर से ये आपने चार लाइन है आपके पास, आपने इस लाइन में छोटा सा इंडिया का मैप बना दिया और यहां पर बता दिया ये स्पेसिफिक रीजन है, इन्हीं क्षेत्रों को आपने मैप से बता दिया छोटा सा ना, ज्यादा नहीं, तो दो नंबर देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर कहीं पे लग रहा है सर छोटा सा मैप लेके हम बना सकते, तो आपने मैप वहां पर बना देना, खत्म कर देना है। इज दैट क्लियर। चलिए, टू मार्क्स यहां से हो गया, बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये लाल मिट्टी इस प्रकार से दिखती है आपको, वहां पे तो ऐसे लाल मिट्टी तुम बना नहीं सकते, तुम्हारे पास तो लाल कलर का पेन यूज करना ही नहीं ना, तुमको तो ब्लैक या ब्लू यूज करना है, वो भी सिंगल कलर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। देखिए, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख करें। मैंने कई बार बताया था ऑफलाइन, जब मैं पढ़ाता हूं, जब भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, मैंने दोनों बड़े मेरे स्टूडेंट्स को बताया था कि बेटा कुछ भी क्वेश्चन आए हमेशा याद रखना रीजन और स्पेसिफिकेशन, ये एकदम कॉमन चीज है, वो रहेगा ही रहेगा, हर क्वेश्चन को उसी पैटर्न में आपसे पूछा जाएगा। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आपसे वो पूछेगा, तो देखना क्या क्या चीजें याद रख लो आप, नदी आसपास के, है ना, अगर वहां पर पहाड़, कौन से पहाड़ हैं, किसी भी रीजन की अगर वो बातें कर रहे हैं, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, अगर कोई रेगिस्तान है तो तुम रेगिस्तान याद कर लो, अगर वहां पर कोई उद्योग है तुम उस उद्योग को याद कर लो, अगर कोई खनिज है तो तुम वहां के खनिज को तुम याद कर लो, है ना, अगर वहां की जनसंख्या विरल है तो तुम उस जनसंख्या के बारे में जानकारी लो, ठीक है, अगर वहां पर कोई पोर्ट है तो तुम उस पोर्ट के बारे में मेंशन कर लो। मतलब तुम जो पढ़ते हो ना, जो चीज तुम पढ़ते हो, जो चीज तुम देखते हो, बस उसी को लिखना है। अगर विशेषता की बातें कर रहा है तो, अगर वो वहां पर कोई जंगल है बढ़िया सा, कोई नेशनल पार्क है तो तुम उस नेशनल पार्क के बारे में मेंशन कर लो, ठीक है। वहां पर अगर वहां की जलवायु बहुत अच्छी है, बारिश के लिए फेमस है, तो तुम जलवायु को लिख दो। अगर वहां पर रेगिस्तान है तो तुम रेगिस्तान के बारे में मेंशन कर लो। जो चीज आपको समझ आता है, जो आपने ज्योग्राफी के पूरे 10 चैप्टर में पढ़े हैं, उन्हीं चीजों को वहां पर एज इट इज तुमको मेंशन करना है। इज दैट क्लियर। चले तो आइए यहां से शुरुआत करते हैं जी। आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता। अब यहां पर वनों की विशेषता आई है, यहां पर तुमको किसी सिटी की विशेषता नहीं लिखनी है, तुमको वनों की विशेषता लिखनी है कि वन के बारे में लिखना है। अब ऐसा सर ने तो बोला था कि भाई चलो कोई जंगल का नाम लिख देते हैं, है ना, कोई नेशनल पार्क का, ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। वो कब करना है, जब तुमको किसी स्थान के बारे में जब पूछ रहा है, स्पेशल जब आपसे पूछा जाता है तब आपको वहां पर करना है। यहां पर सिंपल आपको वन की विशेषता पूछा है और फिर से क्या बोले, क्षेत्र बोले, है ना। तो यहां पर विशेषता और क्षेत्रों का उल्लेख करना है। तो ऐसा नहीं है कि पहले विशेषता पूछा तो पहले विशेषता लिख दिया फिर क्षेत्र। जनरली सिक्वेंसिंग यही होती है कि जो चीजें पहले पूछी जाती हैं उसको पहले लिखते हैं, लेकिन तब वो जब दोनों इंडिपेंडेंट और दोनों एकदम अलग अलग पार्ट हो। यहां पर वन के बारे में पूछा गया तो पहले आप क्षेत्र बताइए, है ना। तो हमेशा कोशिश करना है कि आपको पहले क्षेत्र यहां पर बताना है। तो बेटा देखो, अब इसको ना, ये भी टू मार्क्स, हालांकि क्वेश्चन है, मैंने फिर से बोला यदि आपके पास जगह है तब आप मैप बनाइए, अदरवाइज आपको यहां पर नीड नहीं है। तो मैं तो आपको पहले मैप से माध्यम से यहां पर मैं बता देता हूं, छोटा सा मैप आपको यहां पर बनाना है भैया, स्वीट एंड शॉर्ट, ज्यादा बड़ा नहीं बनाने। तो भारत के उष्णकटिबंधीय वन जहां पर पाए जाने हैं, तो देखो जी, सबसे पहले तुमको यहां पर देखने को मिलेगा, कहां पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना, याद रखना। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की यहां पर इन्होंने बातें करी है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हमको यहां पर देखने को मिलेंगे, भारत का ये वाला क्षेत्र है, मतलब हम लिखेंगे जी भारत के पश्चिमी घाट में, भारत के पश्चिमी घाट में। फिर आपने लिखना है भारत का ये कौन सा क्षेत्र है, आपका भारत का उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी हिमालयन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिमालयन के अंतर्गत आता है, हिमालयन क्षेत्र में, ये पूरा रीजन है तुम्हारा सदाबहार। और बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बस सर दो ये ना, दो नहीं है। देखिए ये सब तो छोटे छोटे है ना, उतना ज्यादा इनका सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सदाबहार पाया जाएगा जी, ये मतलब आपका अंडमान, इसको मेंशन करना भूलिएगा मत, पाया तो तुम्हारा लक्षद्वीप में भी जाता है, बट आप अंडमान को विशेष तौर पे लिखना, क्योंकि देखो लक्षद्वीप तो काफी छोटा है यार, स्किप भी करते हो तो चलेगा, लक्षद्वीप में भी मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लक्षद्वीप भी है, बट आप अंडमान को जरूर लिखिएगा, है ना, अंडमान निकोबार,
ये प्रमुख क्षेत्र है, आपने लिखना है ना प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि 2 मार्क्स का है ना जी, आपको थोड़ी डिटेल थोड़ी करनी है। लक्षद्वीप लिख दो, लिख तो कोई दिक्कत नहीं, 4 आपके एरिया हो जाएंगे, है ना। तो ये भारत के प्रमुख क्षेत्र है जहां पर उष्णकटिबंधी सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपने बता दिया, 1 नंबर पक गया आपका। विशेषताओं के बारे में लिखना, तो बेटा सदाबहार वन जो रहते हैं, अब आपको बताने, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। फिर आपने बताने कि यहां पे तापमान ठीक ठाक रहता है, तापमान जो होता है वो लगभग है ना 24 से यानी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यहां पर यानी कि एकदम ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, 8-10 डिग्री तक चला जाएगा तो फिर सदाबहार वन टाइप की खासियत आपको देखने को मिलेगी। 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एवरेज जो टेम्परेचर है, तापमान है यहाँ पर, ठीक है ना। इन वनों की जो ऊंचाई रहती है एवरेज लगभग 60 मीटर के आसपास होती है, और एक विशेष मौसम में अपने पत्तियां गिरा देते हैं, विशेष मौसम में अपनी पत्तियां झड़ाते हैं, और इसीलिए है ना याद रखना, मतलब विशेष मौसम में अपनी पत्तियां जब झड़ाते हैं तो एक क्रमिक ऑर्डर पे, मतलब क्रमिक इन द सेंस पूरे के पूरे वन एक साथ नहीं झड़ाएंगे, सबके लिए अलग अलग अपना स्पेशल मौसम रहेगा। मान लेते हैं कोई जनवरी में कर रहा है, कोई फेब में कर रहा है, कोई मार्च में कर रहा है, कोई जून में कर रहा है, कोई जुलाई में कर रहा है, तो एक विशेष मौसम में अलग अलग क्रमिक रूप से यानी कि सिक्वेंसिंग में क्या करेंगे, अपनी पत्तियां इन लोग झड़ाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। आप चाहे तो शॉर्ट में करिए की पॉइंट्स में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको तो थ्योरेटिकली लिखना है, यहाँ पर थ्योरेटिकली हम लिखें तो कैसे इसको करें, तो बेटा आप कुछ मत करना, आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां पर औसत जो वर्षा है 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, औसत तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस से रहे, और ये सदा बहार यानी कि बहुत ज्यादा घने होते हैं, है ना। आपको 2 नंबर में यार पेड़ वेड़ के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर में क्या ही लिख डालोगे, आपने क्षेत्र लिख लिया, 1 से डेडलाइन हो गया आपका, फिर आपने इनकी खासियत लिख ली, ये खासियत है, तो आप 3 से 4 आपकी खासियत या विशेषता आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा और करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर और सर मुझे तो कुछ और याद आ रहा है, जैसे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर व्यापारिक महत्व के महत्वपूर्ण पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, आप बोल सकते हो कि ये जो पेड़ रहते हैं ये काफी ज्यादा, मतलब इनकी मोटाई थिकनेस ज्यादा रहती है, तो उसको भले आप बाद में मेंशन कर लेना। यदि आपको लगता है ये पॉइंट्स याद नहीं आ रहे मुझे, वो वाला पॉइंट याद आ रहा तो लिख सकते हो, लेकिन मस्ट हैविंग जो पॉइंट्स है वो ये दोनों है, 200 सेंटीमीटर बारिश और आपका तापमान मध्यम होना चाहिए, ये दोनों आपको मस्ट हैविंग फीचर्स के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये होने ही चाहिए आपके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ये देखो सदाबहार वन है ना, इसमें लताएं भी आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। अब आइए मैग्नीज और बॉक्साइट के उपयोग क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नीज एंड बॉक्साइट। भाई देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसे सिंपल यहां से लिख सकते हो, यूज ऑफ मैग्नीज यहां पर लिख देना, मैग्नीज के उपयोग, और इधर लिख देना बॉक्साइट के उपयोग, ठीक है। या जैसे मैंने हमेशा बताया, इधर एक साइड मैग्नीज और एक साइड आपका बॉक्साइट, और यहां पर लिख दो भाई, बस देखो 2 तरीके यार, कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो, आइदर दैट वन आइदर दैट वन, है ना। एक साइड आपने मैग्नीज लिख दिया, एक साइड आपने बॉक्साइट लिख दिया, वैसे अंतर आपको बताना नहीं है क्योंकि दोनों अलग चीजें, अंतर वाला नहीं है यहां पर, आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो। मैग्नीज का उपयोग सबसे अधिक कहां पर किया जाता है, आयरन इंडस्ट्रीज में किया जाता है, इस्पात बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किसका करते हैं अपन, मैग्नीज का करते हैं ना। इसके अलावा अन्य एलॉयस, एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु, ठीक है ना। यानी कि मैग्नीज का उपयोग केवल आयरन में नहीं, इस्पात तो मुख्य रूप से किया जाता है, उसके अलावा अन्य एलॉयज के लिए यानी कि मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्रीज में, रसायन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। एक नहीं लिखने ना आपको, कम से कम 2 से 3 लिखने, तो आपका केमिकल यानी कि रसायन उद्योग और पेंट इंडस्ट्री में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उपयोग आपसे पूछे अब बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का उपयोग कहां पर किया जाएगा, देखिए सबसे पहले तो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा जो यूज है वो तुम्हारा एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ठीक है क्या, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आपका कॉन्क्रीट, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, यहां पर भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है ना। तो ये आपके मल्टीपल उपयोग हो गए, 3 उपयोग आपने इसके लिख लिए, 3 आपने इसके लिख लिए, 3 और 3 6 हो गया भाई, डेफिनेटली 1.5 से 2 नंबर वो आपको देगा। केवल उपयोग लिखना है, अब यहां पर आपको अमका ढमका बताने की नीड नहीं है, बॉक्साइट यहां पर मिलता है ना, तुम्हारा मैग्नीज यहां पर क्यों बताओगे यार, तुमको 2 नंबर में पूछ रहे हैं ना, उपयोग पूछ रहे, उपयोग बस लिखो, कहानी खत्म करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, जगह है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो
अगला प्रश्न आ रहा है, अलसी तेल की बहुआयामी मल्टीपल यूज, कुछ नहीं है भाई, ये बहुआयामी लिखे चाहे आयामी लिखे चाहे बहु लिखे, कुछ लिखे सास लिखे चाहे बहु लिखे, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस बताने उसके मल्टीपल यूज क्या क्या हो सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं, देखो तेल जब आता है ना जब भी, तो याद रखना बेटा, चाहे अलसी तेल दे, चाहे ये कलसी तेल दे, चाहे नारियल तेल, चाहे सरसों, चाहे फल्ली, कुछ भी दे, सबका कॉमन आंसर एक होगा। इसको आप लिख लो, अपने दिमाग में बिठा लो। बहुत सारे बच्चे जब देखे होंगे ना, तो साला ऐसा दिमाग चकरा गया, अभी यार अलसी तेल दिया भाई, इसको तो अपन कहीं पढ़ते नहीं है। चलिए क्या होता है, जैसे आप किताबों में भी देखोगे तो आपको मूंगफली है, सोयाबीन है, नारियल है ना, सनफ्लावर, यही चार पांच मेन आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद तेल भी ला जाता है। अलसी कहां सर, अलसी तो रेयर जमाने में हो गया। मैं बता दो बेटा, कोई भी तेल दे, अब से याद रखना, जैसे मैं जब मैंने पढ़ाया था अपने स्टूडेंट्स लोगों, तो मैंने कहा था कि भाई जब परियोजना अगर आएगा, जैसे आ गया कि रविशंकर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस बार फिर दिया था। देखो अब चलो, अभी अब बात निकली गई तो मैं बता दूंगा रिपीटेड क्या क्या है। भाई श्वेत क्रांति को उसने रिपीट कर दिया है, अभी आया कितने बार पता नहीं श्वेत क्रांति देगा। उस समय कुछ समय पहले दिया था पेपर में, मेंस में, कि भारत में सीमेंट उद्योग छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में, 8 नंबर का, इस बार दे दिया छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग। तो भाई क्वेश्चन तो वही हो गया, उस समय तुमने पूछ दिया भारत में और छत्तीसगढ़ का विशेष संदर्भ, मतलब छत्तीसगढ़ का बताना ही था तुमको, इस बार फिर छत्तीसगढ़ का। फिर एक क्वेश्चन क्या आया था तुम्हारा, लोहे के कितने प्रकार होते हैं, तुमने उस टाइम इंडियन ज्योग्राफी में दिया, इस टाइम तुमने उसको सीजी ज्योग्राफी में दे दिया। रविशंकर परियोजना तुमने उस टाइम इंडियन में दे दिया, इस टाइम तुमने सीजी में दे दिया। मैकाल, ठीक है तुम्हारा, और क्या क्या कुछ पर्वत वर्वत, केशकाल वेशकाल, या बैलाडीला या दंतेवाड़ा, ऐसा कुछ कुछ समथिंग, अबूझमाड़ करके। भाई कितने रिपीट करोगे यार, 8 से 10 क्वेश्चन तो पूरे रिपीटेड आए हैं तुम्हारे। ठीक है चलिए, दोनों ज्योग्राफी सीजी एंड इंडियन मिला के, खैर कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने रिपीट किया है, आप भी आप ऐसा मान के चले कि रिपीट कर रहा है। तो देखो यार, रिपीट कर रहा है इसका मतलब ये हो कि ये वाला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्या पता यहां से मैं 12 जो 13 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक आध फिर से रिपीट कर दे, कर सकता है डेफिनेटली। ठीक चलिए, तो अलसी तेल का, तो अलसी तेल नहीं यार, कोई भी तेल का जो उपयोग होगा, सबसे पहले इसको हम जानते हैं एडिबल ऑयल। एडिबल का मतलब क्या होता है जी, खाने योग्य। खाने योग्य का मतलब सर जिसको खा सकते हैं। बोला सर तेल को कैसे खाते हैं, भाई खाने वाला तेल है सर। खाने वाले का मतलब क्या, मतलब यार जिसको हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल वहां से सब्जी बनाने के लिए यूज किया, उसमें से कुछ तलिए, पकौड़े तलिए, कुछ और कर लिए, समझ रहे हैं ना, खाने का तेल मतलब वही खाने वाला तेल। सिंपल एक होता है चुपरने वाला, चुपरना समझते हो ना, मुंह खान में जो लगाते हैं, तो ये भी इसका आ जाएगा जी। उपटन उद्योग कहते हैं हम लोग इसको, याद रखना उपटन। सर व्हाट इज दिस उपटन, ये उपटन क्या चीज है बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। इसको जनरली स्क्रब कहते हैं इंग्लिश में, स्क्रब। तो खाने के लिए होता है, मल्टीपल पूछ रहे हैं ना आपको, देखो मैं आपको बहुत सारे बता दूंगा, अभी देखना गिने गिने चार दे देख लेते हैं। पहले खाने के लिए यानी कि एडिबल हो जाएगा, फिर उपटन यानी कि तुम्हारा स्क्रब में हो जाएगा, उसके लिए तुम्हारा प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक एड देखा होगा ना, विकोटेरमेरिक नहीं, कॉस्मेटिक, ये आयुर्वेदिक क्रीम, तो कॉस्मेटिक के मतलब प्रसाधन के लिए है ना, तो तेल मतलब उसके लिए भी अपन यूज करेंगे इसको। आप देखना वहां पर लिख दिखाएगा तुमको, तेल का सिंबल बना रहता है, सैंडल वैंडल भी जब आता है उसमें, सैंडल से आता है साबुन, सोप में ये हो गया भाई, मल्टीपल यूज हो गया, तो सोप में हो जाएगा, कॉस्मेटिक उपयोग हो जाएगा, उपटेन इनके स्क्रब में हो जाएगा, एडिबल खाने के लिए, तो इसके मल्टीपल उपयोग। एक और बताता हूं मैं, चलो ये तो चार हो गया ना, भुरका अचार या भुरका चटनी जिसको कहते हैं भुरका। अब ये भाई ये बता रहा हूं, जो प्योर छत्तीसगढ़ी लोग होंगे ना, कमेंट जरूर करना यार, देखो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, प्लीज। जितने भी बच्चे चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, भुरका जो चटनी है, भुरका अचार, विशेषकर दुर्ग रायपुर धमतरी वाला जो बेल्ट है, दुर्ग रायपुर धमतरी बालोद वाले उस बेल्ट में, क्योंकि हो सकता है अलग अलग बेल्ट में अलग अलग नाम से जानते हैं, क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। इधर देखो भुरका अचार है ना, ये रहा, ये ऐसा, ये इसको अपन अलसी बोलते हैं, ये हमारा अलसी है, ये ऐसा रहता है, और अलसी जो रहता है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा अलसी लियेसिस कलसी, ऐसे करके कलश टाइप का ऐसा रहता है, ऐसा मस्त क्राउन टाइप का रहता है शेप उसका, और ये बीज ऐसा निकलता है, ये भुरका अचार रहता है जी। कुछ नहीं करते, अलसी को ना गरम करते हैं बढ़िया सा, गरम करने के बाद उसको पीसते हैं, जिसको रमंजना कहते हैं, पीसने के बाद उसमें बढ़िया सा मिर्ची विर्ची, देखो मुंह में पानी आ गया यार, घर जाके मेरे को भुरका चटनी खाना पड़ेगा लग रहा है, तो बढ़िया सा उसमें मिर्च नमक वगैरह डाल के उसको रेडी किया जाता है, एकदम भुरभुरा रहता है, इसलिए उसको भुरका बोलते हैं। दुर्ग रायपुर धमतरी बालोद बेल्ट में इसको भुरका के नाम से जानते हैं,
हो सकता है बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर में दूसरे नाम से आता होगा, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि किस नाम से जानते हैं, और जिन्होंने खाया होगा तो भी कमेंट करना कि हाँ सर हमने खाया है, और नहीं भी पता होगा तो आप अपने बड़े बुजुर्ग या किसी को ये वह वीडियो का ये वाला पार्ट जरूर दिखाना कि सर सर जो बता रहे हैं क्या चटनी किसकी बात कर रहे हैं करके, क्या ऐसा सच में होता है करके। और होता है भाई, जिसको खाना होगा मेरे पास आ जाना, मैं खिला दूंगा, घर में है मेरे इसको भुरका, तो तुम वहां पर भी ले सकते हो इसको चटनी के रूप में भी, अलसी की चटनी के रूप में, क्योंकि मल्टीपल यूज पूछा आपको तो इसमें भी आप यूज कर सकते हो, है ना। ये देखो बेटा उपटा, ये स्क्रब, स्क्रब जो कर रही है महिला जो है ये, इसको स्क्रब के रूप में जाना, जैसे चेहरे वगैरह में, बॉडी वगैरह में मसाज जो किया जाता है, ये उपटन, उपटन में तिल है, देखो यहाँ पे तिल है, गेहूं, चावल, चना, ये सब मल्टीपल यूज किया जाता है, जैसे बेसन वेसन लपेटता है ना चेहरे वगैरह में, वैसा इस टाइप से इसको उपयोग किया जाता है। तो उपटन का मतलब होता है आपका स्क्रब इंडस्ट्रीज में, है ना। तो ये आपने मल्टीपल उपयोग यहाँ पर देख लिया बेटा, ये दो नंबर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा, भैया कमेंट जरूर करना जिन्होंने इसका उपयोग किया है, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, अपन जो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ये आपका होने वाला है 4 मार्क्स का। भारत में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन करें। भाई देखो अब मैं फिर से बोल रहा हूं, मतलब आपको ना क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है, सीमेंट का स्थानीयकरण बोले चाहे किसी भी उद्योग का स्थानीयकरण बोले, मैंने क्या बताया अभी जो आपने उपयोग लिखे ना वो सिर्फ अलसी तेल का नहीं है, वो सभी तेल का है। अब सभी तेल में मतलब पेट्रोलियम वाला नहीं, खाने वाले जितने तेल आते हैं ना मैक्सिमम, अरे भाई नारियल तेल का चुपड़ते हो कि नहीं चुपड़ते हो, मुंह में चुपड़ते हो ना, नारियल तेल लगाते हो ना, बाल में लगाते हो ना, बॉडी में यूज करते हैं ना भाई, करते हैं ना यार। बोले सर फल्ली तेल को नहीं लगाते, भाई डायरेक्टली भले नहीं लगाते लेकिन उसके दूसरे फॉर्म में तो यूज कर सकते हैं ना यार अपन, तो मैक्सिमम तेलों का ना 70-20% यूज सेम होना है। जब भी स्थानीयकरण अगर वो बोलता है, यानी कि जब भी आपको लोकलाइजेशन की जब ये बातें करता है, उसके 3-4 फैक्टर एकदम कॉमन है। क्या कॉमन है कि भाई अगर कोई ऐसा उद्योग, चलो यहां पर मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, जिसको स्थूल या फिर भारी उद्योग के रूप में हम जानते हैं, है ना, वेट लूजिंग मटेरियल या वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज, हिंदी में इसको कहा जाता है कि भार ह्रास, याद रखना इसको क्या बोलते हैं अपन, भार ह्रास, भार ह्रास या फिर वेट लूजिंग मटेरियल या इंडस्ट्रीज क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, जिसका कच्चा माल का वेट बहुत ज्यादा हो, किससे, उत्पादित माल से। आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं, 4 नंबर का है, आप मत करना एक्सप्लेनेशन कि क्या होता है करके। हाँ एक लाइन में लिख जरूर सकते हो, क्या लिखोगे कि भाई देखो सीमेंट के लिए जो कच्चा माल रहता है ना, उसका भार बहुत ज्यादा होता है, और जब माल उत्पादित हो जाए यानी कि जब सीमेंट बन जाए तो उसका लूज यानी कि वेट जो रहता है वो कम हो जाता है, इसीलिए आपको ये जो माल जहां पर आपको मिलेगा, जहां पर इसकी उपलब्धता होगी, अवेलेबिलिटी जहां पर होगी वहीं पर आपको उद्योग लगाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कारण है स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का मतलब होता है जहां से आपका मटेरियल निकल रहा है वहीं पर पास में आपने उद्योग लगा दिया। जैसे कॉटन के केस में क्या होता है समझिएगा, कॉटन आपने निकाला, आप इसको 7 समंदर दूर भेज दो जी, आप इसको 7 समंदर दूर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉटन का कपड़ा बनके आ जाएगा। सीमेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, चूना पत्थर आपने कहीं से निकाला, चूना पत्थर को फिर आप देश विदेश भेज के वहां सीमेंट बनवा के वहां वापस आप यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई क्या मतलब, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, आप उतने दोगुना तिगुने 14 गुने कीमत पे नहीं बेच सकते जितना आप। अभी एक चीज बताओ ना यार, यहां से आप लेके जाओगे उतना भारी मटेरियल, लेके जाने में जो आपको लागत लगेगा, फिर बन के यहां पे आएगा, फिर उसको आप बेचोगे, बोले सर कुछ सीमेंट तो है जो बाहर से आते, भाई तो रेट भी तो वैसा रहता है ना उसका, और उस कॉमन रेट पे हर कोई तो खरीद नहीं सकता, इसलिए जहां पर इसका उत्पादन हो रहा है, याद रखिएगा जी, यहां पर सेकंड वाला पॉइंट है ना, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, तो जहां पर कच्चा माल आपको उपलब्ध होगा वहीं पर आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भार ह्रास उद्योग के अंतर्गत आता है, आपको इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होती है वहीं पर अधिकतर भारत में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। क्योंकि ये एक लाइन हो गया, सेकंड लाइन होगा क्योंकि, इसको लिखते चलना, यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं ना क्योंकि इसमें समय हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं उसको बस आप डिकोड करते करते लिखते चलना, है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं समझिएगा। क्योंकि जहां पर भारत में कच्चे माल की उपलब्धता है, विशेषकर जहां पर चूना पत्थर की उपलब्धता है, ऐसे क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि सीमेंट उद्योग जो रहता है वो एक भार ह्रासी उद्योग है। भार ह्रासी का मतलब होता है, भार ह्रासी का मतलब होता है वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज का उदाहरण है, जहां पर कच्चा माल जो रहता है उसका भार अधिक होता है, जबकि उत्पादित माल का जो भार
कार्य कम हो जाता है, इसलिए हमको जहां पर ये कच्चे माल की उपलब्धता है ऐसे जगहों पर ही हमको इसको लगाना पड़ता है, है ना। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं जहां पर आपका बहुत सारे जो फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्री मतलब जहां पर जैसे स्टील कंपनी हो सकती है, उर्वरक कंपनियां हो सकती है, उनके जो रॉ मटेरियल होते हैं यानी कि जो उनके जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उससे भी हम सीमेंट का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादातर इन क्षेत्रों में सीमेंट का उद्योग जो है स्थापित किया गया है, ये आपने बता दिया। उसके बाद आपको यह भी बताना कि भारत के प्रमुख सीमेंट उद्योग कहां कहां पर है, तो आपने बताना जी कि मध्य प्रदेश हो गया आपका, गुजरात हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपके भारत के मुख्य सीमेंट उत्पादक राज्य हैं। आपने राज्य के नाम बता देना है और छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में एक आध आप स्टेट सिटीज के भी नाम, जैसे आप बलौदा बाजार है, जामुल है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चार नंबर भी इतना सफिशिएंट है आपके लिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। कोंकण के मैदान के विस्तार एवं विशेषताएं, भैया मैप यहां पर बनाना पड़ेगा यार आपको, ये इस क्वेश्चन में अगर आप कितना भी सुंदर आंसर क्यों ना लिख लो, अगर मैप नहीं बनाओगे और आप मेरे से कॉपी चेक कराओगे तो मैं आपको 2.5 से 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा भाई। आप किसी से भी करवा लो यार, मतलब इसमें मैप की नीड है, यू नीड मैप, आप कुछ नहीं करना है। कोंकण के मैदान की विशेषता आपसे पूछ रही है, आपने बस इतना बना लो ना, कौन बोले तुमको पूरा मैप बनाना है। अब तुम बताओ जी कि ये है तुम्हारा कोंकण का मैदान, अलग से मालाबार बनाने की नीड नहीं है, चाहो तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताना कि ये वाला जो कोस्ट है इसको हमने कोंकण कोस्ट कहा, और इसीलिए वाला जो मैदानी जो हिस्सा है इसको हमने क्या बताना है, ये कोंकण का मैदान वाला क्षेत्र है। बस हो गया, आपने यहां से यहां ऐसे इस प्रकार से बना दिया, ये कोंकण का मैदानी क्षेत्र। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपने ये आपने बता दिया, अब क्या लिखना है कि जी इसका विस्तार अब लिखना है आप लोगों को, तो लिखेंगे इसका जो विस्तार है वो आपका इधर है ना, तापी के मुहाने से लेकर, तापी नर्मदा के मुहाने से लेकर 3 राज्यों में, विशेषकर कौन कौन से राज्य में, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। सर गुजरात में, गुजरात के यार एकदम लास्ट पोर्शन, इसलिए अपन इसको स्किप करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका तक है, लगभग 700 किलोमीटर की रेंज में, लगभग ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया जी, ये आपने इसका विस्तार लिखा। अब विशेषताएं लिखनी है इसमें, तो विशेषताओं में क्या क्या लिखना है, चलिए आइए आपको बताता हूं मैं। आपको बताना है कि विशेषताओं के अंतर्गत, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से आप देखिए कि भाई ये जो है ना, ये एक सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है जी, सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि आधा डूबा हुआ, ठीक है ना सर। इसको कुछ और शब्द हम यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली यूज कर सकते हो आप। इसको लिखना कि ये जो है जलमग्न, ये तो मैंने इसका एग्जैक्टली मीनिंग शाब्दिक अर्थ है बताया। सर टेक्निकल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिखना सर ये एक जलमग्न तटों का उदाहरण है, मैदान है मतलब बिल्कुल इसी के किनारे है ना, बिल्कुल लगा हुआ ये है ना। दूसरा आपको लिखना है कि ये पश्चिमी घाट के कौन से हिस्से में जी, इधर पश्चिमी घाट मिलेगा आपको ये ऐसा, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में है ये, पश्चिमी घाट के पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। फिर आपको लिखना है कि यहां पे जो तट है ये तुम्हारा इररेगुलर है यानी कि कटा फिटा है, नंबर टू और जो थ्री है ये तुमको लिखना है कि ये कटा फिटा है, ये उबड़ खाबड़ अनइवन एकदम मैदान नहीं है ये, कोंकण जो मैदान है कटा फिटा हुआ है ना, आपका उबड़ खाबड़ है, ठीक है। आप ये भी बताना है कि इस क्षेत्र में जो रेलवे चलता है उसको हम कोंकण रेलवे के रूप में जानते हैं, पॉइंट वाइज लिखते चलना है। फिर आपने बताना कि इस क्षेत्र में आने वाले प्रमुख मेजर पोर्ट्स, कोंकण के मैदान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मेजर पोर्ट्स में आप लिखना है, एक है तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एक है मुंबई यानी कि बॉम्बे पोर्ट, ठीक है। नंबर थ्री आपका कौन सा पोर्ट हो जाएगा, देखो चार बड़े पोर्ट तुम्हारे यही पे मिल जाएंगे है ना, आपका मर्मगांव और एक आपको मिल जाएगा मंगलोर, ये चार प्रमुख पोर्ट यहां पे पड़ते हैं। हो गया भाई चार नंबर के लायक तुम्हारे, इतने सारे पॉइंट्स हमने बता दिए। एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि कई बार होता ये है ना कि सर अगर ये याद ना आए तो क्या स्किप कर दे, क्या नहीं सर इसको लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो इनमें से आप चार पॉइंट को लिखिए,
मैप कैसे बनाना है तो बेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को। मैप जो है पहले तुम जब तुम्हारे पास है ना 6 लाइंस रहेंगी, 6 या 7 लाइन आपको दी जाती हैं, तो यहां पर इतने हिस्से में आपने पहले मैप बना लेना है। मैप में आप ऐसे ऐसे दिखा देना, बाकी पॉइंट्स को आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। और इनफैक्ट तुम इसी मैप में उन पोर्ट्स को भी तुम क्या कर सकते हो, वहां पर दिखा सकते हो। 3.5 से 4 नंबर डेफिनेटली तुमको यहां पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कूनो अभ्यारण्य और इसकी क्या बतानी तुमको विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। कूनो नेशनल पार्क क्या है, कैसा है, इसके बारे में तुमको यहां पर बताना है ना। चले आइए समझते हैं। देखो जब कूनो के बारे में आपसे पूछा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि ये न्यूज में था। ये आपको याद होगा कि यहां पर 2 बार, एक बार जो है तुम्हारा साउथ अफ्रीका से और एक बार नामीबिया से चीते लेकर आए गए थे। चीते लेकर आया गया इसलिए ये न्यूज में था। अच्छा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पेपर जिस बनाए हैं जिस भाई ने है ना, जिस बहन ने, जिन्होंने भी बनाया होगा, इनको ये पता होना चाहिए कि भाई अब ये जो है ना सेंचुरी नहीं रह गया है, अब ये जो है वो नेशनल पार्क हो चुका है। ठीक है ना, तो कम से कम यार इतना तो अपडेट होना चाहिए था कम से कम। ठीक है, मतलब फिलहाल तो नेशनल पार्क है ना, दिस इज नेशनल पार्क राइट, और ये नेशनल पार्क में जो है वो लेके आए गए हैं। तो सबसे पहले स्थिति और अगेन यहाँ पे जो विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्पेसिफिकेशन आप बोलिएगा। तो सबसे पहले आपको बताने की जी ये कहाँ पर है, तो कूनो जो नेशनल पार्क, देखो सेंचुरी इन्होंने बोला है तो आप एक काम करिए, आप जो इसको सेंचुरी ही बोल दीजिए। मतलब आप क्वेश्चन जैसे पूछा है तो तुम वैसे लिखना ना यार, फिर बोलेगा यार तुम होशियारी क्यों मार रहे हो करके ना, तो तुम उसको बोल दो कि ठीक है ये जो है सेंचुरी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बताइए कि दिस इज सेंचुरी करके राइट। चलिए तो यहां से क्या हो जाना है कि भाई ये आपका सबसे पहली स्थिति आपको बतानी, तो आपने बताना है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला लिखना पड़ेगा बेटा आपको है ना, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, मतलब या फिर यूं कहें कि उत्तरी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, जैसे आप एमपी का डायग्राम आप देखेंगे या इस प्रकार से है आपका, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, कूनो नेशनल पार्क है ना। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर, उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित, यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है या फिर इनके हिसाब से आप लिखिए सेंचुरी है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य पूछा है ना, तो आप लिखिए कि प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ठीक है, जो कि हाल ही में यहाँ पर चीतों के बसाहट के कारण न्यूज में था, चर्चा में था। ठीक, आपने ये चीजें बता दी। ठीक, अब आपको और क्या क्या चीजें यहाँ पर बतानी, समझिएगा। रीजन आपने बता दिया, क्लाइमेटिक कंडीशन आपको बताना है कि भाई यहाँ पे जो क्षेत्र है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। एक उपोष्णकटिबंधीय क्या है, ये क्षेत्र है, ये चूंकि कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर जो निकल जाता है इसलिए आप इसमें सिंपल मेंशन करिएगा उपोष्णकटिबंधीय, मतलब सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है, ये विशेषता बताना है ना, सब ट्रॉपिकल। आपने ये भी बतानी है कि चीता वाला पॉइंट तो हो चुका है आपका, रीजन भी हो चुका है, आपने ये बताना है कि यहाँ पे जो घास तंत्र आपको पाए जाएंगे, ग्रासलैंड जो है, यहाँ के जो घास तंत्र है ये सवाना के जैसे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको सवाना के जैसे आपको ग्रासलैंड यानी कि घास तंत्र जो है आपको देखने को मिलेंगे, इज दैट क्लियर। साथ ही साथ ये भी आपने बताना है कि ये जो घास तंत्र होते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये आपको कूनो से संबंधित चीजें बतानी है। कूनो के स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी कुछ इस प्रकार से है कि ये कॉरिडोर प्रदान करता है, ये यहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं को एक गलियारा प्रदान करता है ताकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरे रीजन पर जा सके। तो ये वाला जो रीजन आपको क्या मिलेगा, मुकुंद्रा हिल्स हो जाएगा तुम्हारा, रणथंबोर हो जाएगा है ना, जो राजस्थान वाला जो बेल्ट है वहां से मध्य प्रदेश के जो अन्य जैसे कि माधव वगैरह आपको मिलेगा है ना, नीचे आप चले जाओ पेंच वगैरह जो है एंड ऑल, तो उनको जाने के लिए कान्हा वाना इधर जो भी मिलेगा तो उनको जाने के लिए एक प्रकार से कॉरिडोर का कार्य करता है। मतलब जो कूनो नेशनल पार्क जो संरक्षित किया गया, आप खुद सोचिए, मान लेते हैं कि कूनो को नेशनल पार्क या सेंचुरी जो भी इसका दर्जा नहीं दिया जाता, मान लेते हैं कि उसको भाई ये तो जगह है, जंगल है, ठीक है, इस पर जो काम करना कर लो, जंगल की कटावटे कर लो, मान लेते ये बेल्ट ना मिलता, ये जंगल ना रहता, जंगल उजड़ जाता, तो आप खुद सोचिए इनको यहां पे आने के लिए या इनको यहां पे जाने के लिए वो सुविधा ना मिल पाती। तो एक प्रकार से कॉरिडोर का भी कार्य करता है। 4 नंबर का तो ये सारी चीजें तो मेंशन करनी पड़ेंगी आपने, है ना। तो आपने क्या किया, इसको यहां पर आपने नोट डाउन किया, यहां पर आपने इसको लिखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बातें कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाजों का उत्पादन भारत के लिए क्यों आवश्यक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आने वाले समय में भी, मतलब ये तो है ही है ना, आने वाले समय में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए समझते हैं, यहां पर आगे देखते हैं, जस्ट वेट।
अब अच्छा कितने नंबर के हैं, तो 7, 8, 9 जो था तुम्हारा 4 नंबर का हो गया, ये वाला जो रहेगा तुम्हारा आपका 8 नंबर का होगा। तो भाई मोटे अनाज के बारे में जब बातें करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो मोटे अनाज है, मतलब ये मिलेट्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मिलेट तो यार वैसे भी आपका 2023 जो है मिलेट ईयर जो है घोषित किया गया था, इसलिए भी आपका जो है बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक, अब समझिएगा मोटे अनाज की जब बातें करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो जी मोटे अनाज जो रहते हैं ये सिंपल सिंपल तुम्हारे फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न, ठीक है ना। मतलब ये जो तुम्हारा किसके अंतर्गत आएगा, फूड ग्रेन्स, या जिसको हम लोग सीरियल्स के रूप में जानते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं अपन इसको, सीरियल्स। तो सीरियल्स के अंतर्गत आता है, खाद्यान्न के अंतर्गत आता है। खाद्यान्न में बहुत सारा रहेगा, जैसे एक और क्वेश्चन है उसमें और डिटेल में बता दूंगा, दोनों रिलेटेड है। अगर नहीं रहता तो मैं इसमें आपको अलग से कवर नहीं करता है ना, तो वाले क्वेश्चन में आपको और करा दूंगा मैं इसी, मतलब इसी वीडियो के अंतर्गत। तो ये सीरियल्स जो रहते हैं जिसको हम लोग जानते हैं ना कि आपका जो कोर सीरियल्स कहते हैं, यानी कि मोटे अनाज जो कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा जब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ते, तो वहां पर अपन इसको कोर सीरियल्स यानी कि मोटे अनाज के रूप में भी हम जानते हैं। तो ये भी तुम्हारा इसके अंतर्गत आ जाएगा, राइट। चलिए आइए समझते हैं, यहाँ से कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मोटे अनाजों के अंतर्गत प्रमुख रूप से तुम्हारा बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये सब आता है। और भी अन्य आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारे। मतलब इंडिया में कम से कम 8-10 प्रकार के हमारे पास मिलेट्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। मिलेट्स के अलग अलग आपको क्षेत्र भी यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ये तुम्हारा मिलेट्स होता है, ये सब अलग अलग प्रकार है, ये हो गया ये सब के सब क्या तुम्हारे मिलेट्स के यहाँ पर प्रकार है, राइट। चलिए आइए अब हम यहां पर देखते हैं कि मिलेट जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के लिए क्यों आवश्यक है। बोल रहे मोटे अनाजों का उत्पादन भारत के लिए क्यों आवश्यक है, मतलब अब आपको विशेषता बताना है, साथ ही साथ उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी नीड, मतलब एक बोलते हैं ना जैसे कि भाई तुम बीमा ले लो, बीमा तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। एक होता है कि बीमा के क्या क्या फायदे हैं, तो आपने बता दिया इंश्योरेंस के ये फायदे हैं, और तुम्हारे लिए आवश्यक क्यों, लेना ही क्यों पड़ेगा, एकदम मस्ट क्यों, नेसेसरी, तो वैसे यहां पर आपने बताने हैं, ठीक है। तो देखो चूंकि 8 नंबर का बड़ा प्रश्न है, तो आप शुरुआत कुछ इस प्रकार से करेंगे कि भाई जो मोटे अनाज जो रहते हैं विशेष तौर से ये खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सीरियल्स, या फिर इसको हम यूं कहें कि कोर सीरियल्स के अंतर्गत, मोटे अनाज के अंतर्गत ही आते हैं। मिलेट्स के मुख्य रूप से 2-3 प्रकार हो सकते हैं, 2-3 भाग को हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बाजरा ले लिए, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ये सब मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। कोदो कुटकी जितने मोटे अनाज हैं सब के सब मिलेट के अंतर्गत आते हैं। मिलेट के इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार ने, है ना, मिलेट मिशन जो शुरू किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन शुरू किया है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 को भी मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है। ये आपने यहां पर भूमिका बना दी, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन आप भूमिका बनाने में जरूर यूज करोगे, आपने भूमिका बना दी। अब यहां पर लिखिएगा, आप डालिएगा हेडिंग कि भारत में मिलेट क्यों आवश्यक है, या मोटा अनाज का उत्पादन भारत के लिए क्यों आवश्यक है, है ना। या फिर लिख सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों से, या फिर निम्नलिखित प्रमुख तथ्य जिसके कारण भारत में मोटे अनाज या फिर मिलेट का उत्पादन आवश्यक है। पहले आपने भूमिका बनाई जो मैंने बताया, उसके बाद क्यों आवश्यक है, आइए यहां पर 1 by 1 हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो पॉइंट है, इकोलॉजिकली ये बैलेंस्ड होता है, मतलब आप देखना कि ये पारिस्थितिकी रूप से, पारिस्थितिकी रूप से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें सर भारत का पारिस्थितिकी कहां से रिलेशन है, बताऊंगा मैं। पारिस्थितिकी रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आने वाले समय में, अभी तो चलो 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, आने वाले मतलब आज से 40, 50, 60 साल, 70 बाद, ये जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। मतलब जब जलवायु परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंजेस होंगे, तो बाकी के जो अनाज रहेंगे वो तुम्हारे हो सकते हैं उसमें उत्पादन में कमी देखने को मिले, हो सकता है कि वो आपके सीधे सीधे गायब हो जाए, निपट जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा। ये पारिस्थितिकी रूप से काफी ज्यादा उन्नत है, मतलब इसकी खासियत है कि किसी भी प्रकार की जलवायु स्थिति में क्या हो सकती है, पैदा हो सकती है, मतलब इसका जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए एक और पॉइंट है ना यहां पर कि बेस्ट अल्टरनेटिव है ये। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि दूसरे अनाजों की तुलना में हम इसका सीधा सीधा उपयोग कर सकते हैं। किनका? मोटे अनाजों का, यानी कि कोर्स सीरियल्स का। दूसरा, ये इससे किसानों की इनकम में वृद्धि होगी,
किसानों के आय में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत के संदर्भ में ध्यान रखना है आपको, हमेशा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसके डिमांड को फुलफिल करना है कि भाई इससे क्या होगा कि जब आप ज्यादा उगाएंगे, चूंकि डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, लोगों को अवेयरनेस हो रहा है कि अच्छा मिलेट को अब खाया जाना चाहिए, मिलेट कैफे खुल रहे हैं, मिलेट मिशन चालू किया जा रहा है, तो जब आप मिलेट उगाएंगे तो इससे किसानों की भी तो आय में वृद्धि होगी, क्योंकि समर्थन मूल्य पर भी इसको खरीदा जा रहा है, याद रखना इसको एमएसपी पर भी खरीदा जा रहा है। तो जब सरकार आपको समर्थन मूल्य दे रही है इसका मतलब आप उगाइए और आपकी आय में वृद्धि होगी, सुनिश्चित होगी। दूसरा, इसको ज्यादा पानी या सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, डज नॉट नीड मच इरिगेशन, याद रखिएगा इसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब ये उन क्षेत्रों में होता है जहां पर आपके शुष्क या अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं ऐसे क्षेत्रों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। जैसे आप देखिएगा राजस्थान मोटे अनाजों के उत्पादन में जनरली फर्स्ट नंबर पे रहता है, मतलब एक टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है भाई, वहां पर ज्यादा आपको सिंचाई सुविधाएं देखने को मिलेगी, फिर भी वहां पर यह है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर इस प्रकार की जलवायु रहती है जो आपको बिना पानी के या यूं कहें कम पानी से भी वो अच्छा खासा पैदावार कर सकता है। नंबर 4 ये हो जाएगा आपका रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्व से और खनिज से समृद्ध है, मतलब इसमें आयरन और कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा होती है। दोस्तों याद रखना आयरन और कैल्शियम, इसके अलावा अन्य जो पोषक तत्व इसमें भर भर के रहते हैं, इसलिए भी चूंकि भारत में बहुत सारे एनिमिक, आप बोले सर भारत से क्या फायदा, आयरन और कैल्शियम है हम कर लेंगे ना, तो भाई भारत में बहुत सारे एनिमिक लोग रहते हैं, एनिमिक मतलब जो कि एनीमिया की एनीमिया से पीड़ित होते हैं आयरन की कमी के कारण, तो उनको ये क्या कर सकता है, रिकवर कर सकते हैं, चूंकि इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती, बच्चे जो है हड्डियों कमजोर होती, तो वो सारी की सारी चीजें यहां से रिकवर करी जा सकती हैं। नेक्स्ट होगा सर ये क्या रहता है आपका, लो ग्लाइकेमिक, या फिर यूं कहें यहां पर आपको बहुत कम इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है ना, शर्करा या यूं कहें शुगर की मात्रा इसमें बहुत कम पाई जाती है, इसलिए डायबिटिक मतलब भाई जिसको शुगर वुगर का प्रॉब्लम है ऐसे इंसानों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में शुगर पेशेंट की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, इसलिए इनका सेवन करना हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम इनका सेवन करेंगे, क्योंकि बेस्ट ऑल्टरनेट है ये, आपने देखा होगा कभी भी देखना शुगर पेशेंट लोग को बोला जाता है भैया बाजरा की रोटी खाइए, है ना, आप जो है मिक्स ग्रेन वगैरह या मल्टी ग्रेन वगैरह यूज करिए एंड ऑल करके, तो ये क्यों बोला जाए, और मल्टी ग्रेन में देखना बेटा सबसे ज्यादा तुम्हारे यही सब देखने को मिलेंगे, ज्वार बाजरा रागी मक्का एंड ऑल यही सब आपका यूज किया जाता है मल्टी ग्रेन आटो में, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाना है कि भाई जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर वाले जो मरीज हैं, उनको यहां पर सीधा सीधा फायदा होगा। आप खा के तो देखिए, आप रियल लाइफ में यूज कर लीजिए, साल डेढ़ साल में शुगर की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जानी है, ठीक है। उसके बाद है भाई इसका ड्यूअल पर्पस है, यानी कि इसके बहु उद्देश्य हैं, मल्टीपल उद्देश्य हैं, अनेक उद्देश्य हैं, जैसे कि क्या होगा, खाने के साथ साथ इसको फूडर मतलब चारे के रूप में भी अपन उपयोग कर सकते हैं, इसको हम जो है खाने के साथ साथ चारे के रूप में भी, चारा मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसको हम लोग पशुओं के रूप में, हम मतलब पशुओं के खाने के रूप में हम दे सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे लंबे बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं इसके जो वृक्ष बोलते हो सॉरी पौधे जो रहते हैं वो, तो उसको आप चारे के रूप में भी क्या कर सकते हो, अपन उसको उपयोग कर सकते हैं। ये जो है जी रेडी टू ईट कैटेगरी में आता है, रेडी टू ईट मतलब तुरंत खाने के लिए रेडी, और इससे क्या होगा कि कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। कार्बन फुटप्रिंट में कमी क्यों आएगी समझिएगा, देखो क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये हो रहा है कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल गैसेस जलाए, आपने कोयले जलाए, उपले जलाए, कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसको बहुत लंबे समय तक पकाना उबालना जलाना पड़ता है, और ये ऐसे कैटेगरी भाई कुछ मत करो, थोड़ा सा बस पानी में मस्त से डालो, थोड़ा सा मस्त उबालो और ये तुरंत रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी बहुत फास्ट, जैसे छोटे छोटे बच्चों का आता है ना देखना रेडी टू ईट करके, उसमें यही सब कॉन्टेंट आपके ज्यादातर मिले होते हैं, 2 मिनट 4 मिनट में तुरंत ये रेडी हो जाता है, जल्दी पक जाता है। तो इससे क्या होगा कि आप कम उष्मा का उपयोग कर रहे हो, कम हीट का उपयोग करें, कम हीट का उपयोग करेंगे उससे क्या होगा कि आपका खाना जल्दी बन जाएगा, खाना जल्दी बन रहा है और आसानी से पच भी जा रहा है ना, तो यार आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा, जल्दी से रेडी हो जा रहा है। दूसरा, आपने कम उष्मा का उपयोग किया, आपने कम हीट का उपयोग किया, तो उससे क्या होगा कि आपने एनर्जी का उपयोग कम करी, एनर्जी का उपयोग कम किया तो उससे कार्बन फुटप्रिंट में कहीं ना कहीं तो आपको कमी देखने को मिलेगी, मतलब जिस चीज को आप 10 मिनट में पकाते थे, 20 मिनट में पकाते थे, वो चीज अगर 5 मिनट में रेडी हो रही, 4 मिनट में रेडी हो रही, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एनर्जी बच रहा है, तो कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आ रही है।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो है वो पर्यावरण जो है वो सुरक्षित हो रहा है। तो ये सब क्या है, इसके मल्टीपल उपयोग है। इस कारण से भारत में इसका उपयोग करने की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है और भारत में उगाया जाना चाहिए और भारतीय लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे लास्ट में अपन इसको लिख सकते हैं समराइज करने के रूप में, है ना। 8 नंबर के लगे कॉन्टेंट आपका सफिशियंट है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई आपको, और मैं बता रहा हूँ ये आर्थिक सर्वेक्षण आप भारत का देखेंगे, देख सकते हैं 2022-23, इसमें सारी वो चीजें जो मैंने बताई यहाँ पर पूरा का पूरा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एशिया के लगभग 80% का वैश्विक उत्पादन, याद रखना कितना है ये जो रहता है लगभग 80% जो क्या करता है ये उत्पादन करता है, और विश्व का जो है लगभग 20% मिलेट यानी कि जो मोटा अनाज है वो हम इंडिया वाले उत्पादित करते हैं। ये पूरी की पूरी चीजें डिटेलिंग यहां पर दी गई है कि कैसे कैसे, है ना, लगभग 14 राज्यों के 222 जिलों में यहां पर जो सबमिशन वगैरह जो है संचालित किया जा रहा है। मतलब अब पूरा का पूरा इंडिया फोकस्ड है किस पर, मिलेट पर। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इसको शुरू कर दिया गया, ऐसे वैसे टॉपिक वगैरह भी आते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत वास्ट पार्ट है, और डिटेल में यदि आपको यहाँ पर पढ़ना होगा तो ये पूरा दिया हुआ है। आप जैसे भारत सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये नीचे वेबसाइट के यहाँ पर लिंक दी गई है, ये यहाँ पर लिंक है, आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करिएगा, है ना। इसका जो PDF है हम हमारी जो टेलीग्राम जो चैनल है, देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल चाहो तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कोको का ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है CoCoCGPSC, है ना, CoCoCGPSC या कंपटीशन कम्युनिटी CGPSC, और एक मेरा GSV तरुण सर, आप इसमें सर्च करेंगे तो ये दोनों जो PDF है, मतलब ये जो PDF है दोनों चैनल में आपको मिल जाएगा, कंपटीशन कम्युनिटी CGPSC, CoCoCGPSC या GSV तरुण सर, आप इसको सर्च करिए। इसका जो PDF है आपको वहां पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें वहां से आप ये डायरेक्टली वेबसाइट को जो है कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये वेबसाइट, और इसमें पूरा डिटेलिंग जो है तुमको दी गई है, तो यहां से आप डिटेलिंग यहां से कर सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में श्वेत क्रांति के उद्देश्य और महत्व का परीक्षण कीजिए। देखो यार, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं क्यों इतना ही लोग रिपीट करते हैं, इस बार फिर से रिपीटेड है, राइट। चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी, तो शुरुआत कैसे करेंगे जी, 1970 के दशक में, याद रखना है ना, 1970s, ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1970s, 1970 के दशक में भारत में दुग्ध उत्पादन और दूध में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, या वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, है ना, सरकार के द्वारा एक क्रांति की शुरुआत करी गई, जिसे हमने श्वेत क्रांति के रूप में जाना, या जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, याद रखना। क्या बोलते हैं अपन इसको, ऑपरेशन फ्लड। चूंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको भूमिका बनानी पड़ेगी, ऑपरेशन फ्लड बोले या फिर श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। और इसके लिए जो बहुत ही जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे जिनका 2012 में निधन भी हुआ था, है ना, याद रखना, वर्गीस कुरियन। तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे वो इसके लिए काफी ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, उनके प्रयासों से ही ये संभव हो पाया था। तो आपने भूमिका में कुछ इस प्रकार से बना देनी है। और शुरुआती जो स्टेज थे, मतलब टोटल 3 चरण यहाँ पर हुए थे, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड। भूमिका ज्यादा नहीं करनी क्योंकि आपको उद्देश्य और महत्व का दो चीजों का यहाँ पर करना है, और एग्जामिन करना है यानी कि परीक्षण करना है। तो आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो पहला जो स्टेज था तुम्हारा 1970 से लेकर 80 तक, दूसरा जो था 1981 से लेकर 85 तक, और तीसरा जो था वो 85 से लेकर 95-96 तक, कुछ जगह 2000 भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 85 से अबव या 85 से आगे 10 या फिर 15 वर्ष तक ले सकते हैं। 70 से 80 पहला स्टेज, 81 से 85 दूसरा, और 85 से 96 लिख सकते हो, 85 से कहीं कहीं 2000 भी आपको देखने को मिलता है। ये आपके 3 स्टेजेस में जो है इसको शुरुआत करी गई थी, किसको, श्वेत क्रांति को, राइट। उद्देश्यों को यहां पर हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये मैंने जैसे कि बताया कि फादर ऑफ जो व्हाइट रिवॉल्यूशन थे, इसके जो प्रमुख जनक थे, इनका नाम आपको मेंशन जरूर करना है कि इनके प्रयासों से जो ये संभव हो पाया था। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या जो प्रमुख इनके उद्देश्य थे उसके हम लोग थोड़ा यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो था ये था आपके अधिक से अधिक यानी कि वाइड रेंज में दूध और दुग्ध प्रोडक्ट का क्या करना, मार्केटिंग करना, साथ ही साथ प्रबंधन करना, यानी कि विपणन और प्रबंधन। अब सर आप बार बार दूध और दुग्ध बोल रहे हैं, सर कुछ तो अंतर होगा दोनों में कि दोनों सेम है बेटा, एक बार शॉर्ट में समझ लेना। दूध मतलब होता है जी आपका मिल्क, और दुग्ध मतलब होता है आपका डेयरी, क्या बन गया, डेयरी मिल्क।
अब यार मैंने तो बोला था ऑफलाइन वाले बच्चों को, बोला था यार डेयरी मिल्क का कोई देगा करके, कोई बच्चा दिया नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे भेज सकते तो भेज देना यार, ठीक है। तो यदि समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो डेयरी मिल्क जरूर डेडिकेट कर देना। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूं, ठीक। तो देखो डेयरी मतलब होता है दुग्ध होता है, और मिल्क मतलब होता है दूध होता है, राइट। तो दूध से बने प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दुग्ध प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके हो जाएंगे फॉर एग्जांपल दही है, छाछ है, पनीर है, घी है, ये सब है ना। अब दूध से बने प्रोडक्ट मतलब सर क्या खीर को बोलेंगे? नहीं बेटा, वो अलग चीज है, वो उसकी कहानी अलग है ना। ऐसा प्रोडक्ट जो कि वहीं पर बन रहा है, वहीं पर रेडी हो रहा है, उसको हम लोग जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट के रूप में। तो इसमें क्या करना, इसके विपणन यानी कि इसके मार्केटिंग को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ इसका प्रबंधन अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, याद रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सहकारी समितियों की स्थापना, और इनके माध्यम से दूध को शीतलन केंद्र पर, शीतलन केंद्र यानी कि जो चिलिंग सेंटर होता है, याद रखिएगा, है ना, इस पर लाना, देन इसकी खरीदारी करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना एंड ऑल, यानी कि इनमें सहकारी समितियों के माध्यम से इसकी खरीदारी करना। क्या होता था ना, पहले बिचौले लोग खरीदते थे। अब उदाहरण के तौर पे आप मान के चलिए कि एक गांव में है, और वहां पर एक आदमी जो पूरे गांव का दूध खरीदता है। अब मान लेते हैं यार वो आदमी खरीद रहा है कितने रुपए में, 10 रुपए लीटर में खरीद रहा है, बाकियों के ये क्या करेगा, 25-30 रुपए लीटर में बेचेगा, एकदम डबल तिबल रेट में बेचेगा। शहर वहर में जाके बोलेगा भाई मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे वैसा करना पड़ता है, ये है वो, बहुत सारे नाटक नखरे करेगा। लेकिन नहीं, सहकारी समितियों के आने के बाद से क्या होगा, मान लेते हैं कि आपका दूध, मान लेते चलो अभी भी 10 रुपए में है, तो ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 रुपए में उधर जाके बिकेगा। मतलब जितने में बिक रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा जो रेशियोज है वो आप तक पहुंचेगा। अगर 100 रुपए में बिक रहा है तो कम से कम 70 से 80 रुपए जो आपको मिलेगा, मतलब रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपसे 100 में खरीदे तो मार्केट में 400-500 बेच रहे, नहीं, अगर आपसे 100 में खरीदे तो मार्केट में 120-130 में मिलेगा, या उसके आसपास के रेट में रहेगा। तो सहकारी समितियों की स्थापना करना, और दूध का उसके द्वारा खरीदारी किया जाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना, और शीतलन केंद्रों में यानी कि चिलिंग सेंटर्स में क्या करना, उसको सुरक्षित रखना, यह क्या था इसका उद्देश्य था। फिर सप्लाई द कैटल फीड्स, भाई अगर केवल इसका उद्देश्य सिर्फ दूध उत्पादन में वृद्धि नहीं था, याद रखना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, केवल दूध और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि नहीं भाई, पशुओं को प्रॉपर चारा भी प्रोवाइड करना था, याद रखिएगा। दूध एवं या दूध देने वाले दुधारू पशुओं को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए उनको सफिशियंट उपलब्ध, क्या बोलते हैं, एक निश्चित मात्रा में चारा उपलब्ध करवाना भी इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। नंबर 4, हेल्थ सर्विसेज, वेटनरी केयर एंड आर्टिफिशियल, आपका जितने भी पशु आपके जो दूध देने वाले, देखो यहां पर मेन जो ध्यान रखा गया था, मेन जो कॉन्सेंट्रेट किया गया था वो दुधारू पशु पर किया गया था, क्योंकि संबंधित किससे, सीधे सीधे तुम्हारे वर्ल्ड रिवोल्यूशन, सीधे सीधे दूध उत्पादन से। तो जितने भी पशु हैं इन लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना, प्रजनन पर ध्यान देना, क्योंकि सिर्फ चारा प्रोवाइड करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके हिसाब से उनके लिए प्लानिंग भी लेकर आनी पड़ेगी। इनके टीकाकरण पर ध्यान देना, इनकी बीमारियों पर ध्यान देना, क्योंकि आपने देखा होगा कि पशु चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे वेटनरी संस्थान भी यहां पर खोले गए, उनको समय समय पर टीकाकरण कराया गया, बांध्यकरण किया गया, स्टरिलाइजेशन जिसको कराया गया है ना, साथ ही साथ आर्टिफिशियल, उनको जो बोलते हैं ना कि उसका सीमेंस लेकर उसको प्रेग्नेंट किया जाना, जो काउस वगैरह एंड ऑल सब जो रहते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें प्रबंधन जो करी गई वो सब इसके प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता था। तो उसके उद्देश्य में सिर्फ आपका दूध या दूध उत्पादन में वृद्धि या विपणन नहीं होगा, पशुओं पर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाना क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। सिग्निफिकेंस यानी कि इसके जो बहुत इंपॉर्टेंस जो थे उसको हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस। अब देखो जो इसके उद्देश्य थे उसी के इर्द गिर्द इसके सिग्निफिकेंसेस रहते हैं, याद रखना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, आप बोलोगे कि हमारा उद्देश्य है कि भाई हमको पढ़ाई करना, दिन रात मेहनत करना है ना, अलग अलग वेबसाइट से जो लेटेस्ट जो डेटा है वो उसको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, प्रॉपर टेस्ट देना, ये क्या थे आपके उद्देश्य थे। फिर आपके सिग्निफिकेंस मतलब आफ्टर रिजल्ट क्या हुआ, फिर आपने जो है ये आपने फलाना एग्जाम आपने क्रैक किया, आपने ये वाला एग्जाम क्रैक किया, एग्जाम क्रैक नहीं किया तो आपने इस फील्ड में कुछ महारत हासिल करी, किसी कंपनी ने आपको अपने अधीन रखा, आपने कहीं पर एज ए सीईओ आपने कार्य किया, आपने कहीं पर एज ए मैनेजर कार्य किया, आपने कहीं पर फॉर एग्जाम्पल एक टीचर एक प्रख्यात शिक्षक के रूप में अपने आपको स्थापित किया, ये आपके क्या हो गए आउटकम्स हो गए सिग्निफिकेंसेस। तो वैसे यहां पर आपको बताने की क्या क्या चीजें हुई। तो इसके आने के बाद से सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अगर मैं बातें करता हूं तो जितने भी आप लोगों की बिचौलिए थे, याद रखना पहला पॉइंट,
बिचौलिए यानी कि जो ट्रेडर्स और जो मर्चेंट हुआ करते थे इन लोगों से छुटकारा। और चूंकि आपको एग्जामिन कर रहे हैं जी, तो जब भी एग्जामिन बोलता है ना तो कुछ चीजें आपको ना ऐसे दिखानी पड़ती है कि हाँ कि सच में ऐसा हुआ मूर्त रूप में, मतलब एग्जैक्टली आपको बताना पड़ता है कि हुआ नहीं हुआ करके। देखो आप एकदम इसमें निगेटिव तो नहीं डाल सकते, मालित नहीं, देखो ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि भाई सच में सहकारी समितियों के आने के बाद से कहीं ना कहीं को फायदा जरूर हुआ है। फिर आप क्या लिखेंगे जी कि गरीबी में यहां पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं नियंत्रण हुआ। ये कैसे हो गया, क्योंकि लोगों ने अब अपने आय का जरिया बनाना शुरू किया, आय का साधन हो गया। कैसे, आप क्या करिए, आप गाय पालिए, गाय पालने के बाद आपने दूध जो उत्पादित होगा, दूध उत्पादन के बाद आप विभिन्न प्रोडक्ट बनाइए और इसको आप बेचना शुरू करिए, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आय का साधन होगा। इससे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, स्वनिर्भर या परस्पर निर्भर, मतलब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, परस्पर तो नहीं बोलेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो जोर पकड़ी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने जोर पकड़ा। एग्जामिन करना है आपको, है ना, परीक्षण करना है, तो आप बताना कि भाई इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं हमको वृद्धि देखने को मिली, है ना। उसके बाद आपको बताने कि रीजनल एंड सीजनल जो प्राइस है इसमें कमी आपको आई। मतलब क्या होता था कि कई बार देखो गांव में भी ऐसा होता है कि एक ऐसा सीजन आता है कई बार या कुछ ऐसा समय रहता है कि बहुत सारे दूध उपलब्ध हो रहा है, तो बहुत सारे दूध उपलब्ध हो रहे तो सस्ते में हो जाता है, दूध उपलब्ध नहीं होता तो आपको महंगा हो जाता है। तो वैसा नहीं हुआ, क्या हुआ कि भाई ये जो आपका जो कमी हो रहा था ना, प्राइस जो वेरिएशन हो रहा था, वेरिएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, तो जो आपकी कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा था उसमें आपको क्या देखने को मिला, एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता आपको देखने को मिली। यानी कि जो कीमतें ऊपर नीचे हो रही थी वो अब क्या हो गई, एक स्थिर कीमतों में आपको बिकना शुरू हुआ, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि भारत जो है वो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क और आपका मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब दूध और दुग्ध दोनों का भारत जो है सबसे बड़ा क्या बना जी, उत्पादक बना, इसी का परिणाम था। इसको अपन लास्ट में भी लिख सकते हैं, एक कंक्लूजन पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद नेशनल मिल्क ग्रिड, मतलब देखो क्या होता था कि पहले एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बस दूध आपकी आवाजाही या फिर प्रोडक्शन होता था। मान लेते हैं आज से 20-25 किलोमीटर को एक गांव है जहां पर दूध दूर दूर तक होता ही नहीं है, लेकिन इससे क्या हुआ ना कि जैसे जैसे डेयरी प्रोडक्ट, सॉरी जैसे जैसे आपके सहकारी समिति बनने शुरू हुए, एक जगह पर दूध आपका इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो आसपास के क्षेत्रों में भी क्या हो गया कि दूध की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो गए। तो इस प्रकार से क्या हो कि दूध जो है आपको पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिला, सभी जगह यूनिवर्सली क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया, क्योंकि दूध के लिए तो सभी को, भाई सबको चाय पीना है, छोटे बच्चों को दूध चाहिए रहता है, बहुत से प्रोडक्ट के लिए आपको दूध चाहिए, पूजा पाठ के लिए भी कई बार दूध चाहिए रहता है, तो दूध की आवश्यकता तो सभी को, तो इस प्रकार से इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने लगा। यानी कि नेशनल जो मिल्क ग्रिड है, राष्ट्रीय दूध जो ग्रिड है, है ना, वो आपका बनने में ज्यादा हमको दिक्कत नहीं हुआ, वो आसानी से बनता चला गया, राइट। ये वाला जो पॉइंट है उसको कुछ इस प्रकार से करना है, कुछ डेटा के साथ आप यहां पर बिल्कुल यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर बताना है कि जो दूध का जो उत्पादन था 2020-21 के दौरान, है ना, लगभग 209 मिलियन टन हुआ, और 21-22 में यही जो डेटा कितना हो गया, 221 मिलियन टन, याद रखना। क्या बताना बेटा, आपने बताना है कि 2020-21 इसमें लगभग आपको 209 मिलियन टन, और वहीं 2021-22 में ये जो है आपका, है ना, 221 लगभग मिलियन टन के आसपास हुआ, है ना। यानी कि टोटल अगर हमने जो ग्रोथ देखा तो लगभग कितना ग्रोथ हो गया हमारा, 5.29। आपको एग्जामिन करना है जी, तो एग्जामिन में चीज आपने बताना कि हमने लगभग दूध उत्पादन में 5.29% की क्या करी, वृद्धि करी। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो लगभग 444 ग्राम पर डे, कितना जी, 440 ग्राम प्रतिदिन उपलब्ध हुआ, सुनिश्चित हुआ, ये इस प्रकार से। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लास्ट में मेंशन करनी है, एड ऑन करनी है कंक्लूजन के तौर पे, कि इस प्रकार से हमने दूध उत्पादन में जो है आत्मनिर्भरता और वृद्धि जो है हासिल कर। फिर ये चाहो तो ये ग्राफ भी आप बना सकते हो, हालांकि 11 से 12 पूरा आपको बनाने की नीड नहीं है। देखिए आप कंटिन्यू, आप देख सकते हैं ग्राफ जो है कंटिन्यू चढ़ा हुआ। ये सब के सब डेटा तुमको जो विभिन्न जो इनके गवर्नमेंट वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपका एक मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हो जाएगा आपका,
आपका डेयरी विकास मंत्रालय हो जाएगा, फिशरीज मंत्रालय। तो वहां से मैंने जो डेटा है आपका, यानी कि डेयरी जो आपका इंडस्ट्री मंत्रालय, वहां से जो डेटा मैंने यहाँ आपके लिए लेकर आया। तो ये सारे डेटा आप यहाँ पे जरूर मेंशन कर सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है क्लियरली। ये पहले 427 हुआ करता था प्रति ग्राम, प्रति व्यक्ति प्रति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्राम, और ये अभी 444 समथिंग हो गया, 209 से बढ़ के 221 हो गया। तो इसको आप तुलनात्मक रूप से चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, है ना। तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाना है, ठीक है क्या बेटा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर भारत में खनिज तेल के वितरण की व्याख्या कीजिए, 10 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। तो 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में फिर देखो शुरुआत ऐसे करनी है आपको। देखो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, है ना। 10 नंबर का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपको भूमिका बनानी होती है। तो भूमिका आपने कैसे बनानी है कि तेल की यहाँ पर बातें कर रही, तो कौन से तेल की, खनिज तेल की। तो जो फ्यूल जो रहता है बेटा, ये कैसा तेल है, ये तुम्हारा खनिज तेल है। अब आपने शुरुआत करनी है कि भारत में ऊर्जा के प्रमुख संसाधनों में, है ना, खनिज तेल एक प्रमुख है या एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं, जिसमें से कुछ उत्पादन हमारे यहाँ पर होता है और हम अधिकांश तेल के लिए हम दूसरे देशों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ये आपने यहाँ पर शुरुआत कर देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि भाई भारत के जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित हैं, उसके पहले जो शुरुआत करनी है। ये तो आपने डायरेक्टली क्या करते हैं, अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो सीधा सीधा ये बता दें कि हम जो है तेल ज्यादातर हम निर्यात करते हैं, हमारा है जो बहुत कम उत्पादन होता है, हमको आयात पर निर्भर करना, सॉरी निर्यात नहीं करते, आयात करते, हमको आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये कब करते, जब हमारे पास 4 मार्क्स 2 मार्क्स का समथिंग रहता है, क्वेश्चन बड़ा है। तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि ये फ्यूल जो रहता है ये कहां पर और किन क्षेत्रों में आपको मिलता है विशेषकर। तो आपने बताना है कि ये आपको टर्शियरी क्रम की युग आपको बताना है ना, तो टर्शियरी क्रम की चट्टानों में, किस प्रकार के अवसादी चट्टानों में, याद रखना भारत में ज्यादातर जो है तेल टर्शियरी क्रम के अवसादी निक्षेपों में आपको देखने को मिलता है। टर्शियरी युग हो जाएगा तुम्हारा, टर्शियरी एज, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री, ठीक है क्या, ओके नाउ। तो ये आपने यहां पर बता दिया। अब जी अब आपको स्पेसिफिकेशन बतानी है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें, यानी कि मैप आपको होना ही चाहिए आपके पास, विदाउट मैप आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये आपने यहां पर एरिया बताने से पहले ना, आपको एरिया बताने से पहले और क्या चीजें बतानी है आपको, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करिएगा। वितरण की व्याख्या करना है, तो वितरण के अलावा आपने शुरुआत यहां से करनी है। कैसे शुरुआत करनी है कि भारत में सबसे पहले, अब देखो बड़ा क्वेश्चन है तो तुम एक काम करना, आधे पोर्शन, आधे मतलब पूरे पेज का आधा नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि अगर आपके पास 10 लाइन है या 12 लाइन है, जो भी लाइन है, उस लाइन का कम से कम इतने पोर्शन पे 22-25% पे आपने मैप पहले से बना देना है, और मैप में इंपॉर्टेंट क्षेत्रों का यहां पर आपको उल्लेख कर देना है पहले मैप में बेटा, याद रखना। जैसे कि यहां पर आपको डिगबोई असम वाला रेंज में, नहर कटिया, नहर कटिया, ठीक है ना, ये कहां पर हो जाएगा, ये तुम्हारा, ये दोनों के दोनों तुम्हारा असम, ठीक। फिर यहां पर आ जाइए गुजरात में, पहले राजस्थान में आ जाइए, यहां पर आपका भीलवाड़ा, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में यहां पर आ चलिए आपका उदयपुर, फिर यहां पर आ जाइए गुजरात में आ जाइए, गुजरात में तो बहुत सारे मिलेंगे जैसे कि अंकलेश्वर, फिर है लुनेज, मेहसाणा, कलोल, ठीक, ये गुजरात के हो गए तुम्हारे सभी के सभी, ये तुम्हारे राजस्थान के हो गए। फिर यहां से आ जाइए इधर, आपको मुंबई में मिलेगा दो, बसीन हो जाएगा मतलब महाराष्ट्र में, बसीन और बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। फिर यहां पर कावेरी डेल्टा क्षेत्र, यहां पर तुम्हारा कृष्णा गोदावरी, ऐसा। ये आपने पहले ये मैप बनाना पड़ेगा बेटा आपको ना, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि तेल जो क्षेत्र है, आपको क्वेश्चन पूछा है ना,
क्वेश्चन इन्होंने क्या किया कि खनिज तेल के वितरण कहां कहां पर पाए जाते हैं एंड ऑल ऐसा, तो कम से कम इतने नाम तो लिखने पड़ेंगे, और ज्यादा नाम आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतने नाम को तुमको बनाने हैं, और चाहो तो आधा इधर अंदर ऐसे जैसे आपने बना लो भाई, है ना। आपके पास अगर 10 लाइन है 12 लाइन है तो कम से कम एक ऐसे पार्ट को डिवाइड कर लेना और ये मैपिंग आपको बनानी पड़ेगी। स्टार्टिंग मैंने क्या बता दिया कि आपको बताना है कि ये भारत के ऊर्जा संसाधनों में से प्रमुख है, जिसमें से ज्यादातर जो है हम आयात करते हैं, आयात पर हमको निर्भर रहना पड़ता है, किंतु भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र भारत के टर्शियरी क्रम के, है ना, अवसादी चट्टानों या अवसादी निक्षेपों में, यानी कि सेडिमेंटरी वाले जो आपके डिपॉजिट है वहां पर आपको पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है कि भारत में तेल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये निम्नलिखित हैं, ऐसे आपने मैपिंग से यहाँ पर बता देना है, और बताना कि तेल उत्पादन की जो शुरुआत है यहाँ पर जो सबसे पहले कहाँ पर करी गई थी, तुम्हारे असम वाले क्षेत्र में करी गई थी, डिगबोई में सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर तेल उत्पादन का कार्य किया। भारत में तेल उत्पादन या फिर तेल जो खनन का जो कार्य है दो संस्थाओं के द्वारा, एक हो जाता तुम्हारा ONGC और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है क्या किया जाता है यहाँ पर, ज्यादातर तेल का उत्खनन का जो कार्य है वो किया जाता है, तेल जो हम उत्खनन करने का कार्य करते हैं। तेल उत्खनन के पश्चात देखो अब आधा से ज्यादा तो तुम्हारा यहाँ पर कवर हो जाना, क्योंकि तेल क्षेत्र की बातें करी, इसको मैप के अलावा आप यहाँ पर चाहो तो राज्य और उसके बाद उनके स्टेट और उसके बाद इन प्लेसेस के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं ना। फिर आपने बताना है कि इसको चाहो तो आप दो पार्ट में बाइफर्केट कर लेना कि भारत में जो तेल उत्पादन जो है वो दो प्रकार से क्षेत्र में देखने को मिलेगा, एक हम आपको इनलैंड वाले पार्ट में यानी कि आंतरिक भूभाग में, और दूसरा जो रहता है हमको बाहर वाले यानी कि जो जिसको ऑफशोर हमको कहते हैं, ऑफशोर मतलब अप तटीय, याद रखना इसको हम क्या जानते हैं, अप तटीय, तो ऑफशोर भी आपको क्या करने को मिलता है यहां पर देखने को मिलता है ना। फिर आपने ये भी बताना है कि इसके अलावा हमारे यहां बहुत सारी रिफाइनरीज भी मौजूद हैं, तो आप चाहो तो रिफाइनरी का अलग से मैप बना लेना, या फिर क्या करना रिफाइनरी के लिए आप यहां पर बता देने कि भाई भारत में प्रमुख रिफाइनरीज, चार पांच आप रिफाइनरी के नाम जैसे आप बता देना, कोची है ना, आपका ऊपर आप देखने को मिलेगा जैसे कि कोयली है गुजरात में, कोची कहां पर केरल में, कोयली कहां पर है तुम्हारा गुजरात में है, फिर आपको मिलेगा जी पानीपत है, मथुरा है, ठीक, और आपको मिलेगा जैसे कि बरौनी है, पानीपत हरियाणा, मथुरा यूपी, बरौनी बिहार, फिर है तुम्हारा विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश, नागपट्टिनम एंड ऑल, ये कहाँ है तमिलनाडु। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं अपन, इन प्लेसेस को भी बताना है कि ये सब भारत के प्रमुख ऑयल रिफाइनरीज वाले क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पर आपको ऑयल रिफाइनरीज जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से तेल को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसके बाद जो है वो बेचा जाता है ना, और एक्सपोर्ट जो हम लोग क्या करते हैं फिर कुछ दूसरे देशों में भी क्या करते हैं अपन इसको निर्यात कर सकते हैं, और ऐसे करके आप यहाँ पे शॉर्ट में इंक्लूड कर देना है और लास्ट में इसको फिनिश करना है कि ये प्रमुख, क्योंकि मेन जो फोकस होगा तुम्हारा ये वाला क्षेत्र होगा जहाँ पर आपकी तेल क्षेत्र जो है आपको देखने को मिल रहा है, और उसके थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आपको यहाँ पर मेंशन करते चलना है। जैसे आपने इन क्षेत्रों के बारे में लिख दिया, आपको ये भी बताना है कि तेल उत्पादक जो प्रमुख राज्य जो है ना, आपने मैप तो बनाना ही है, तो प्रमुख जो राज्य आपने बताना है कि तेल उत्पादक जो प्रमुख जो राज्य तुम्हारे प्रमुख राज्य जो तेल उत्पादक जो है उसमें बताना है गुजरात, राजस्थान और असम, ऐसा तो ये चीजें भी आपको यहां पर मेंशन करनी है, क्योंकि आपको सीधा सीधा वो वितरण की जो है या क्षेत्र की जो है बातें यहां पर कर रहा है, राइट। चले तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है भारत में खाद्यान्नों के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या, ये ऑप्शनल में था और मैंने ऑलरेडी बताया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, और आपको पूछ रहा है कि स्टेटस क्या था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं। आइए ज्यादातर यार देखो आपको शुरुआत जो यहां पर करनी है कुछ इस प्रकार से करनी है कि खाद्यान्न निर्यात की यहां पर बातें करी गई हैं, और बड़ा प्रश्न है तो आप शुरुआत कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, आजादी के बाद से हमने है ना विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं आई और उनके दौरान जो है कुछ कुछ हमारे सरकारी प्रयास जो किए गए, संस्थागत प्रयास किए गए जिसमें हरित क्रांति और अन्य जो प्रयास शामिल थे, और इस प्रकार से भारत जो है खाद्य उत्पादन या फिर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, और आज स्थिति यह है कि हम बहुत सारे देशों को जो क्या बोलते हैं खाद्यान्न जो है वो निर्यात करते हैं, और बहुत सारे मामलों में खाद्यान्न में जो है भारत जो है वो नंबर 1 पर है,
और कुछ कुछ में दूसरे नंबर पर है, सेकंड पोजीशन पर है ना, जिसमें से प्रमुख हमारे पास खाद्यान्न निर्यात के अंतर्गत, प्रमुख खाद्यान्न निर्यात के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा जी, तुम्हारा चावल, गेहूं, मक्का, मिलेट, ठीक है, और अन्य मिसलेनियस करके इस प्रकार से आप यहां पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ऐसा चावल में भी आपको दो प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि बासमती और क्या है तुम्हारा, गैर बासमती, है ना, तो एक बासमती और गैर बासमती, ऐसे इस प्रकार से। तो ये आपने अभी बताऊंगा, इसके डेटा भी यहां पर बताने वाला हूं, है ना। तो ये प्रमुख, एक लाइन में बस अभी लिखना है, यहां पर अभी मेंशन नहीं करना है कि ये प्रमुख हमारी जो निर्यात है जो कि विश्व के अन्य देशों में क्या किया जाता है, यहां पर भेजे जाते हैं। आपने यहां पर क्या कर ली, आपने भूमिका बना ली, है ना। पोजिशन भी आपने बता दिया कि चावल और गेहूं जैसे उत्पादन में भारत जो है द्वितीय, चीन के बाद जो है द्वितीय स्थान पर है, चूंकि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है, हमारे यहाँ भले उत्पादकता कम होती फिर भी हम जो है इसके उत्पादन में आगे हैं। आपने बताना है कि भाई हम निर्यात करें तो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार क्या किया, इसमें ग्रोथ किया, यानी कि उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अरे सिंपल सी बात है ना यार, तुम अगर किसी चीज को निर्यात करोगे, किसी चीज को बेचोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो क्यों होगा, तुम्हारे पास पहले पैसा, सॉरी तुम्हारे पास भेजने के लिए कुछ तो हो ना, तब तो तुम उसको भेज पाओगे। मतलब मैं बोलूं कि भाई मेरे यहां रोजाना 10 लीटर दूध होता है, तब मैं बेच पाता हूं, अगर मेरे यहां दूध ना हो तो मैं कैसे बेचूंगा। तो हमारे क्या उत्पादन में हमको वृद्धि देखने को मिली, तो पिछले कुछ वर्षों में, दो वर्षों में हमारे यहाँ खाद्यान्न में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली पिछले वर्षों की तुलना में, इसलिए हमारे यहाँ निर्यात में भी वृद्धि जो है महसूस करी गई, वृद्धि भी दर्ज करी गई, ये एक कारण हो जाएगा। दूसरा एक और कारण, जैसे कि एक हो जाएगा तुम्हारा रशिया यूक्रेन वार। तो रशिया यूक्रेन युद्ध जब हुआ, ऐसी स्थिति में जब वैश्विक स्थिति गड़बड़ा गई, रशिया यूक्रेन जो है गेहूं को बहुत बड़े निर्यातक देशों के रूप में जाना जाता है और अन्य जो अनाज है वहां पर निर्यात किए जाते हैं दूसरे देशों में, क्योंकि देशों में युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई, आसपास को लोगों जो वहां से लेते थे उन लोग नहीं ले पा रहे थे, इसलिए दूसरे देश जो है हम पे निर्भर हुए और इस प्रकार से हमारे यहाँ से निर्यात में भी हमको वृद्धि देखने को मिली, मतलब हमारे यहाँ से भी निर्यात में वृद्धि हुई। अब देखिए दो प्रकार से वृद्धि होती है जी, एक होता है कि क्वांटिटी में वृद्धि होना और एक होता है तुम्हारा सीधे सीधे पैसे में वृद्धि होना। तो जैसे मोदी जी कहते हैं बार बार कि आपदा को अवसर में बदलना करके, तो भाई ठीक है, हमारे मतलब पूरे विश्व के लिए आपदा था, हमने उसको क्या किया, अवसर में कन्वर्ट किया। मतलब हमने क्या किया कि हमने जो है वृद्धि अधिक करी, तो यार वृद्धि अधिक करी तो हमने उसको बेचा भी। अब ऐसा नहीं बेचा का मतलब पूरे का पूरा हमने सेल आउट कर दिया, उसमें हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मतलब जितना हमने बफर स्टॉक रखा था उसको सबको धीरे धीरे हमने रिलीज किया, धीरे धीरे हमने सेल आउट बेचना हमने शुरू किया, है ना। और सबसे लास्ट में फिर अपने को क्या करना बेटा, इतने सारे लाइंस लिखने के बाद आपको सबसे अंतिम में डाटा जो है प्रस्तुत करने, क्योंकि आपको वर्तमान स्थिति जो यहां पर क्या कर रहे वो पूछ रहा है। इधर से देखना ऑफिशियल, अच्छा इसमें आप उन देशों के नाम भी यहां पर जरूर से मेंशन कर सकते हो कि इन इन देशों में सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ईरान, ठीक है, सऊदी अरब, ठीक है, नेपाल, वियतनाम, ठीक है ना, इन सब देशों में सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने जैसे बताया हमारे पास क्या क्या, एक बासमती चावल होता है, एक नॉन बासमती होता है, गेहूं होता है, मिलेट मोटे अनाज होते हैं, मक्का हो जाता है, ठीक है, ये मक्का हो जाएगा तुम्हारा, मक्का हो जाएगा, ये मेज हो जाएगा, और अन्य जो है ये सब हम क्या करते हैं, हम बेचते हैं या फिर दूसरे देशों में हम लोग सेल करते हैं, राइट, निर्यात करते हैं। तो यहां पर आपको डेटा जो यहां से देखने को मिल जाएगा बेटा, इस डेटा को आप लोग जरूर याद रखना, इसको मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास बताने की, क्योंकि इतना ही लिखोगे ना यार, देखो 3 से 4 नंबर तुमको इसी में ही मिलना है, आप समझना, 3 से 4 नंबर केवल तुम्हारा यही है, जिसमें से 1 से 2 नंबर तो तुम्हारा हो जाएगा बासमती राइस बताना है, नॉन बासमती, फिर गेहूं हो जाएगा, फिर मक्का हो जाएगा, अदर में, है ना। इसमें आप कम से कम ये टोटल याद रख सकते हो, ये क्या है, इतने क्वांटिटी मिलियन टन में हमने बेचे हैं, मिलियन टन में, ये क्या है तुम्हारा कीमत है, ये किसमें, लाख रुपए में, और ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि है, पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो यही तो तुमसे पूछ रहे हैं ना कि वर्तमान प्रेजेंट क्या चीज है। अच्छा ये डेटा कौन सा है जी, ये 2022-23 का एकदम लेटेस्ट है, फ्रेश डेटा है। डेटा कौन सा है तुम्हारा,
ये 2022-23 का डेटा है, याद रखना एकदम फ्रेश है ना। तो देखिए ये अपना इतना मिलियन टन यानी कि लगभग 347 मिलियन टन की क्या हुआ, हमने क्या किया उन दूसरे देशों को बेचा, हमको कितने रुपए यहां से देखने को मिले, ये लाख रुपीस में 231 लाख रुपीस जो क्या मिला हमको, इतने से मिला। और टोटल जो वृद्धि हुई हमको लगभग 21% की हमको ग्रोथ रेट यानी कि वृद्धि जो है वो देखने को मिली। इसमें एक चीज आप जरूर मेंशन कर सकते हो कि सबसे अधिक जो तुमको किस में देखने को मिला, अन्य में, अदर्स में, जबकि बासमती राइस में भी अच्छी खासी वृद्धि आपको देखने को मिली और गेहूं में हमको जो है डाउनफॉल यानी कि कमी आपको देखने को मिली। तो इस चीज को आप जरूर मेंशन कर सकते हो कि गेहूं की जो उत्पादक है या उत्पादकता है या फिर जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ था, इसलिए अन्य अनाजों की तुलना में, क्योंकि आप पूछ रहे हैं ना कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो आप बताना कि भाई हमने गेहूं जो है वो निर्यात कम कर पाए क्योंकि हमको गेहूं की भी आवश्यकता पड़ी, हमारे यहाँ भी कम उत्पादन हुआ, हमारे लोगों को पहले दिया जाना था इसलिए हमको आवश्यकता कम पड़ी और गेहूं के निर्यात में थोड़ी कमी जरूर आई, बट ओवरऑल हमको जो निर्यात में जो है वृद्धि देखने को मिली और सबसे अधिक हमने जो वृद्धि जो करी है हमने इसमें यहाँ पर करी। और सबसे अधिक जो क्वांटिटी जो रहती है वो तुम्हारी किसकी रहती है, वॉल्यूम वाइज जो रहती है तुम्हारी नॉन बासमती जो राइस की रहती है यानी कि चावल की रहती है। और साथ ही साथ ये भी बताना है, देखो इन दोनों को मिला के लगभग तुम्हारा 75% जो हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं और अन्य जो रहते हैं इसको लगभग हम 25% यानी कि 25% करते हैं। तो ये चीज भी आप यहां पर जरूर से मेंशन करिएगा क्योंकि ये चीजें आपके लिए क्या हुई कही काफी जो फायदेमंद हो सकती है ना। तो डेटा के रूप में मेन मतलब आपसे डेटा पूछा गया था और मैं फिर से बता दूं ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं था, करंट से, थोड़े से इकोनॉमी से, है ना, इसके डेटा से रिलेटेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी गई थी। और आपने देखा कि बड़े जो प्रश्न है पूरे मैक्सिमम आपके डेटा आधारित प्रश्न है, मतलब ज्योग्राफी यदि आपको करनी तो डेटा पर डिपेंड रहना पड़ेगा, डेटा पर डिपेंड रहें तो आइए हमारे साथ जुड़िए क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर हमारी जो कक्षाएँ जो प्रारंभ करी जा रही हैं, एक है महिला पर्यवेक्षक और RI का, है ना, अभी नया बैच आपको शुरू होना है मंगला चौक स्थित हमारे ब्रांच में। कोर्स के डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं, 6000 में आपका ऑफ 6000 प्लस GST में आपका ऑफलाइन लाइव और रिकॉर्डेड होगा, लाइव और रिकॉर्डेड 4700 में रहेगा, रिकॉर्डेड आपका 1800 में मिलने वाला है RI और महिला पर्यवेक्षक के लिए। साथ ही साथ हमारा नया जो बैच ओपन हो रहा है गांधी चौक में 25 जून से 26 से कक्षाएं आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं इस प्रकार से कंटेंट आपका क्वालिटी और बेहतरीन कंटेंट आप चाहते हैं, अच्छे से हमसे मिलकर रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपना स्तर आप सुधारना चाहते हैं तो जरूर आप आइए। डेमो क्लास में हमेशा जैसे कि बोलते आए हूँ, आप डेमो क्लास अटेंड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फ्रंट से आप जब आप देखेंगे कैसे हमारे यहाँ पर पढ़ाई करी जाती है, कैसे हम आपको डील करते हैं, कैसे आपको कॉन्टेंट यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा यह बताई गई जानकारी आप सभी को समझ आई होंगी, आप सभी ने इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, आने वाले आपके एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होगा। तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार से जरूर करिएगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ यानी कि कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।